डॉक्टर यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सेस सर, आज की जो हमारी क्लास है वो है आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को लेकर, जिनका भी 3 तारीख को पेपर है या फिर उसके बाद झारखंड के लिए पेपर है, तो ये क्वेश्चन इन सभी के लिए हेल्पफुल है। झारखंड में अभी CHO की वैकेंसी निकली है, फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, अभी 15 तारीख से आई थिंक फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, आपकी मार्च तक लास्ट डेट है। लेकिन झारखंड वालों को मैं बता दूं, जिनका पेपर होने वाला है उनको पेपर नहीं, सॉरी जिनका झारखंड में जॉब निकली है CHO के लिए उनका एग्जाम नहीं है, लेकिन झारखंड में जो स्टाफ नर्स की पोस्ट निकली है उसके लिए पेपर है। अदरवाइज आप कंफ्यूज ना हो, मैं फिर से क्लियर कर दूं कि झारखंड में CHO वैकेंसी निकली है उसमें आपको मेरिट बेस्ड लिया जाना है, जो आपके परसेंटेज मार्क्स है उसके बेस पर। लेकिन जो झारखंड में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट निकाली है उसके लिए आपको एग्जाम होना है, 50 क्वेश्चन आएंगे, और बाकी जो नेक्स्ट वो रहेगा वो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेस पे आपको लिया जाएगा, लेकिन CHO का पेपर नहीं होना है। जैसे UP में वैकेंसी निकली थी उसमें भी एग्जाम नहीं होना है, आपका मेरिट बेस्ड लिया जाना है। तो यहाँ पर लेकिन जिनका राजस्थान में पेपर है, MP CHO का पेपर है, DHS का पेपर है, तो उनके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया जाना है। तो उसके साथ साथ DSSB वालों का भी पेपर है, तो ये क्लासेस उन सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो भी लोग ये क्लास ज्वाइन किए हुए हैं, मैं बता दूं कि आपको जो लोग NHM के पेपर्स दे रहे हैं या CHO के पेपर्स दे रहे हैं, तो उनको पेपर्स अवेलेबल हैं। CHO NHM वालों के लिए 40 पेपर सॉल्व है, साथ में 13 सीरीज है, चार्जेस ओनली 350 रुपीज। और ANM वालों की हम बात करें तो ANM वालों के लिए भी पेपर्स अवेलेबल है, उनको चार्जेस ओनली 150 रुपीज। जो DSSB का पेपर दे रहे हैं तो 2015 से लेके 2019 तक जितने भी DSSB ने नर्सिंग वालों के लिए पेपर कराए हैं वो सब पेपर अवेलेबल हैं, उनका चार्ज भी बहुत ही चीप है, ओनली 150 रुपीज़। सभी सॉल्व पेपर हैं, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में है, जो सीरीज है ओनली वो बस आपकी इंग्लिश में है, बाकी जो पेपर्स हैं आपके एज इन जैसे ऑफिशियल पेपर्स होते हैं वो आपको अवेलेबल है। लेकिन जो PDF फॉर्मेट आप लेते हैं उनका आपको चार्जेस पे करना होगा, जो क्लासेस रहती हैं आपको वो सब फ्री रहती है, उनका आपको कोई भी चार्जेस नहीं है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट जो भी लोग ये पेपर देख रहे हैं मैं बता दूं कि आपको अपकमिंग टाइम में ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस जो प्रीवियस पेपर्स आप देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको जो क्वेश्चंस पेपर में आया हो वही सेम रिपीट हो, उसी क्वेश्चन के जो ऑप्शंस इवन उनमें से तक आपको क्वेश्चंस बन जाते हैं, जो चीज़ मैं आपको कई बार बताती हूँ, तो वैसे आपको क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो जो भी लोग ये PDFs लेना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करके PDF परचेस कर सकते हैं। 3 डीज डायरिया डिमेंशिया डर्मेटाइटिस आर द सिम्टम ऑफ विच डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, तो ये तीनों सिम्टम किसके हैं? GMCH में एग्जाम में आया था अभी ये पेपर, जो रिसेंट में पेपर हुआ है, आई थिंक 28th को पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, थायामिन के, राइबोफ्लेविन के, बायोटिन के या फिर नियासिन के, तो ये किसके हैं? यहाँ पर जो भी साइन है तीन, डायरिया डिमेंशिया डर्मेटाइटिस, ये तीनों साइन किसके हैं? तो ये हैं यहाँ पर नियासिन की कमी के कारण होने वाले सिम्टम, नियासिन की कमी के कारण होने वाले सभी सिम्टम है। पेलाग्रा, जो पेलाग्रा डिसीज़ होती है उसके तीनों सिम्टम है डायरिया डिमेंशिया डर्मेटाइटिस, और ये किसकी कमी से होंगे? नियासिन की कमी से। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच इज़ द बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डेफिशिएंसी इन अ क्लाइंट, यदि किसी मरीज में आयरन की कमी है, आयरन की डेफिशिएंसी है, तो कौन से टेस्ट से हम क्लियर करेंगे कि उसको आयरन की कमी है? फेरस सल्फेट से, सीरम फेरेटिन से, सीरम आयरन से या फिर हीमोग्लोबिन से, कौन सा टेस्ट है जो क्लियर कट बताएगा कि पर्सन को आयरन की कमी है? तो वो होगा यहाँ पर सीरम फेरेटिन, क्या होगा? सीरम फेरेटिन टेस्ट किया जाएगा जिससे कंफर्म होगा कि पर्सन को क्या आयरन की कमी है, आयरन की कमी से मेनली क्या होता है? एनीमिया। नेक्स्ट वन, ट्रिप्टोफैन इज प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट, तो ट्रिप्टोफैन सभी में होगा किसी एक को छोड़कर, मैजे में, चिकन में, फिश में या फिर चीज में। तो ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड है जिसकी ज़रूरत नॉर्मल ग्रोथ के लिए पड़ेगी, स्पेशली इन्फेंट्स में और एडल्ट्स में, किसके लिए? नाइट्रोजन का बैलेंस बनाने के लिए बॉडी में, लेकिन ये सभी चीज़ों में रहेगा किसी एक को छोड़कर, तो एक इसमें नहीं रहेगा मैजे में, किसमें? मैजे में ट्रिप्टोफैन नहीं रहेगा, बाकी सभी में रहेगा। ओवर मैजे खाने से कौन सी कहते हैं? मैजे, और ट्रिप्टोफैन है जो
मैजे में जो कॉर्न है उसमें नहीं रहेगा, बाकी चिकन में होगा, फिश में होगा, चीज़ में होगा। आपको आज की क्लास का क्वेश्चन है कि जो मैजे हैं, ओवर मैजे खाने से कौन सी डिसीज़ होती है। बहुत सारी डिसीज़ होती है जिसमें मैजे और कॉर्न को क्या कहा जाता है, अवॉइड करने को कहा जाता है। तो आपको आज की क्लास का क्वेश्चन है कि कौन सी डिसीज़ है जो मैजे और मक्का जो भुट्टा है उसके खाने से होती है। तो यहाँ पर जो ट्रिप्टोफैन है सब में प्रेजेंट होगा, किस में नहीं होगा, तो वो नहीं होगा किस में, मैजे में। तो ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड है न्यूबॉर्न जो इन्फेंट्स हैं उनके लिए, ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, और जो एडल्ट्स हैं उनमें नाइट्रोजन का बैलेंस बनाने के लिए हेल्प। टाइम पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट HIV इज नोन एज। तो टाइम पीरियड आपको बताना है, क्या है टाइम पीरियड बताना है, जब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन होने से लेके एंटीबॉडी डिटेक्ट होने तक का टाइम पीरियड HIV का क्या कहलाएगा। विंडो एक्यूट इन्फेक्शन, एक्टिव HIV, विंडो पीरियड या फिर क्रॉनिक इन्फेक्शन क्या कहलाएगा, जिसमें आपको बताना है कि इन्फेक्शन होने से लेके बॉडी एंटीबॉडी डिटेक्ट होने के बीच का जो ड्यूरेशन है वो क्या कहलाएगा। तो ये कहलाएगा आपका विंडो पीरियड। क्या कहलाएगा, विंडो पीरियड, जब आपकी बॉडी को HIV इन्फेक्शन हो गया है और जब एंटीबॉडी डिटेक्ट होना है कि एक्यूरेट है या नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका विंडो पीरियड। नेक्स्ट वन है यहाँ पर पैप स्मियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो पैप स्मियर किस टाइप का एग्जाम्पल है, प्राइमरी प्रिवेंशन का, सेकेंडरी का, टर्सरी का, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो पैप स्मियर किसके लिए किया जाता है, सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोज करने के लिए। किसके लिए, सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोज करने के लिए। तो यहाँ पर एक जो सर्वाइकल कैंसर है, क्या सब क्लिनिकल स्टेट होती है डिसीज़ की प्रोग्रेस होने के पहले की, और प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या करते हैं, हेल्थ एजुकेशन देंगे, BCG वैक्सीन देंगे। लेकिन पैप स्मियर में क्या करेंगे, हम डिसीज़ को डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये किस में आएगा, ये आएगा सेकेंडरी प्रिवेंशन में। किस में आएगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर रेबीज इज कॉज्ड बाय वायरस कॉल्ड। तो रेबीज का जो वायरस है उसका नाम क्या है, एडीनो वायरस, फाइलेरियल मैक्सो वायरस, या फिर लाइजा वायरस टाइप फर्स्ट। तो यहाँ पर रेबीज है इसका कॉजिटिव एजेंट है, वायरस है वो क्या है, वो लाइजा वायरस टाइप फर्स्ट। क्या है, लाइजा वायरस टाइप फर्स्ट, और रेबडोब्रेडो सेरोटाइप फर्स्ट फैमिली से बिलोंग करेगा। मेनली नाम याद रखना है रेबीज, रेबीज का जो एक क्लासिकल साइन है वो होता है हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगना। रेबीज किसके कारण होगा, कौन से वायरस से होगा, तो वो RNA वायरस लाइजा वायरस टाइप फर्स्ट से होगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सेफ फॉर डिस्पोजल ऑफ मरकरी। मरकरी को हम कौन सी मेथड से डिस्पोज कर सकते हैं, यदि फर्श में मरकरी गिर गई है तो आप कैसे उसको कलेक्ट करेंगे। वरी अंडर द अर्थ, ऑटोक्लेविंग, कलेक्ट केयरफुली एंड रीयूज, या फिर नन ऑफ द अबव। यदि मरकरी गिर गई है नीचे तो आप उसको कैसे है जो क्या करेंगे, डिस्पोज करेंगे सेफली, तो करना है आपको केयरफुली, कलेक्ट करना है, देन आफ्टर आप उसको रीयूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, कलेक्ट द केयरफुली एंड आफ्टर द रीयूज। नेक्स्ट वन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में आता है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन द ईयर ऑफ। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, 1974 में, 1985 में, 1978 में, फिर 1992 में। तो जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है कब लॉन्च हुआ था, हुआ था लॉन्च 19 नवंबर 1985 में। गेट योर चाइल्ड फुली वैक्सीनेटेड। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है तो मिशन इंद्रधनुष का लोगो दिख रहा है, एग्जाम में भी आता है आपको। लेकिन UIP जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था 19 नवंबर 1985 में। यदि आपको फुल डेट के साथ पूछे तो 19 नवंबर 1985 आपको बताना है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर स्कॉच टैप स्वैब इज यूज टू आइडेंटिफाई। तो स्कॉच टैप स्वैब टेस्ट है किसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, टेप बॉम्ब के लिए, पिन बॉम्ब के लिए, क्रिप्टोस्पोरिडियम के लिए, या फिर नन ऑफ दी अबव के लिए। टैप का सेलोफेन टैप स्वैब टेस्ट है किसके लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है पिन बॉम्ब को के लिए। किसके लिए, पिन बॉम्ब को आइडेंटिफाई करने के लिए। स्पेशली ये बच्चों में तो किया ही जाता है लेकिन एडल्ट्स में भी यूज़ किया जाता है। जैसे सेलो टेप होता है उसी तरीके से रेक्टम एरिया में इसको चिपका के है जो एंड देन वापस से निकाला जाएगा कि कोई भी पिन बॉम्ब वहाँ पर नहीं है तो नहीं, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। कौन सा टेस्ट, स्कॉच टैप स्वैब टेस्ट भी हम इसको कह सकते हैं, या फिर सेलोफेन स्वैब टेस्ट। नेक्स्ट वन है यहाँ पर
मंडे फीवर इज ऑल्सो नोन एज, तो मंडे फीवर का दूसरा नाम क्या है? बैगोसिस, बायोसिनोसिस, सीओपीडी या फिर एस्टोसिस। मंडे फीवर का दूसरा नाम है बायोसिनोसिस। क्या है? बायोसिनोसिस एक रेयर लंग डिसीज है जो कि हेमफ्लैक्स या फिर कॉटन फाइबर डस्ट के कारण होगा, आपको याद रखना है, और ये ऑक्यूपेशनल अस्थमा का कॉज भी बनेगा, या फिर बायोसिनोसिस को मंडे फीवर कहेंगे, और जितनी भी जो कॉटन पार्टिकल्स कॉटन डस्ट के कारण होगा तो ये कहलाएगा बायोसिनोसिस। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, रेबीज फ्री जोन इन इंडिया, तो इंडिया का रेबीज फ्री जोन कौन सा है, मतलब वहाँ पर एक भी रेबीज के केस नहीं आते हैं? अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका। तो रेबीज फ्री जोन है तो वो है लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप को इंडिया में रेबीज फ्री जोन है जो घोषित किया गया है। नेक्स्ट वन, विच इज़ द रिकमेंडेड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डीपीटी वैक्सीन इन इन्फेंट, तो इन्फेंट में डीपीटी वैक्सीन कहाँ पर दी जाती है? लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिथाई, फोरआर्म, डेल्टॉइड मसल्स या फिर ग्लूटियल मसल्स में। तो डीपीटी वैक्सीन दी जाती है इन्फेंट्स में कहाँ पर? लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिथाई, जो कि एक सेफेस्ट एरिया है वैक्सीन एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करने के लिए और नर्व इंजरी को मिनिमाइज करने के लिए। यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है कि लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिथाई में ही क्यों डीपीटी वैक्सीन दी जाती है, आई एम रूट से दी जाती है, तो इसलिए ताकि वैक्सीन को प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्प्शन किया जा सके और नर्व इंजरी को हम क्या कर सकें, अवॉइड कर सकें। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, डिसीज विच आर ट्रांसमिटेड बाय वाटर एंड फूड आर कॉल्ड, तो ऐसी डिसीज जो फूड और वाटर से ट्रांसमिट होंगी कौन सी डिसीज कहलाती हैं? वेक्टर बॉर्न, फॉमिट बॉर्न, व्हीकल बॉर्न या फिर एयर बॉर्न। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ऐसी डिसीज जो वाटर और फूड के थ्रू ट्रांसमिट होंगी वो कौन सी डिसीज कहलाएंगी? जो डिसीज वाटर और फूड के थ्रू होती है वो कहलाती है व्हीकल बॉर्न। क्या है? व्हीकल बॉर्न डिसीज जो इनका पॉजिटिव एजेंट होते हैं, इनमें ट्रांसमिशन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के थ्रू होगा, आपको याद रखना है। व्हीकल बॉर्न का मतलब है कि जो ट्रांसमिशन होगा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के थ्रू डिसीज को कैरी करेगा, और जो लाइफ साइकिल है पैथोजन की एक होस्ट से दूसरे होस्ट में होगी तो वो क्या कहलाएगा? व्हीकल बॉर्न डिसीज। दूसरा आता है फॉमिट बॉर्न, तो फॉमिट बॉर्न ट्रांसमिशन किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू होगा, कंबल में लिपट के आपके वायरस आ सकते हैं, बैक्टीरिया आ सकते हैं, स्नीजिंग कफिंग के थ्रू भी आ सकते हैं, जो कॉमन कोल्ड है जनरली फॉमिट बॉर्न भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा कि ऐसी डिसीज जो फूड और वाटर के थ्रू फैलेंगी वो क्या कहलाती है? व्हीकल बॉर्न। और ऐसी डिसीज जो कोई ऑब्जेक्ट के थ्रू हो सकती है वो फॉमिट बॉर्न। वेक्टर बॉर्न का मतलब है कि वेक्टर इसका कुछ अलग होगा, वेक्टर का मतलब है यहाँ पर मॉस्किटो हो सकता, वायरस हो सकता, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, और जो वेक्टर बॉर्न डिसीज है ये ह्यूमन और अदर एनिमल के थ्रू होंगी, ब्लड फीडिंग एंथ्रोपॉइड हो गए, वही मैंने आपको बताया, मॉस्किटो हो गए, टिक फ्लीज हो गए, डेंगू फीवर हो गया, मलेरिया हो गया, सभी क्या है? वेक्टर बॉर्न डिसीज है। एयरबॉर्न में जो पार्टिकल्स स्नीजिंग कफिंग के थ्रू स्पेशली होंगे वो आ जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हम कब मनाते हैं? जून 5 को, जुलाई 5 को, जनवरी 5 को या फिर मई 5 को? तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं जून 5 को, कब करते हैं? जून 5 को। और इस साल की ओनली वन अर्थ, क्या था? ओनली वन अर्थ, जिसको कैंपेन का स्लोगन भी रखा गया था, लिविंग सस्टेनेबिलिटी इन हार्मनी विथ नेचर। स्लोगन पूछे तो क्या था? ओनली वन अर्थ, और थीम पूछे तो क्या था? लिविंग सस्टेनेबिलिटी इन हार्मनी विद द नेचर, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम थी। और आज क्या है? टीचर्स डे। क्या है आज? टीचर्स डे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, आफ्टर द बर्थ द नॉर्मल न्यूनेट द डक्टस आर्टेरियोसिस बिकम, बेबी डिलीवर होने के बाद जो न्यूनेट में जो डक्टस आर्टेरियोसिस है किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? लिगामेंटम आर्टेरियोसम में, लिगामेंटम बीनोसम में, लिगामेंटम अम्बिलिकल में, फिर नन ऑफ द अबव में। तो जो डक्टस आर्टेरियोसिस है आफ्टर द डिलीवरी के बाद, नॉर्मल बर्थ के बाद न्यूनेट का जो डक्टस आर्टेरियोसिस है किसमें कन्वर्ट होगा? लिगामेंट आर्टेरियोसम में। किसमें? लिगामेंट अम आर्टेरियोसम में। जो फोरामेन ओवल है क्लोज होगा आफ्टर द बर्थ, तो ये किसमें कन्वर्ट होगा? फोसा ओवलिस में। डक्टस बीनोसिस कन्वर्ट होगा लिगामेंटम बीनोसम में। और जो विदिन अ वीक ऑफ बर्थ न्यूनेट अम्बिलिकल वेन इज कम्प्लीटली ऑब्लिट्रेट एंड रिप्लेस्ड बाय फाइब्रस कॉर्ड कॉल्ड द राउंड लिगामेंट ऑफ लिवर।
लिगामेंटम टेरस हेपेटिस जो अम्बिलिकल कॉर्ड है एक इसमें कन्वर्ट होगी तो ये होने लगती है लिगामेंटम टेरस हेपेटिस में। लेकिन जो मेनली आपको एग्जाम में आता है डक्टस आर्टरियोसिस तो लिगामेंटम आर्टरियोसम में कन्वर्ट होगा। लिगामेंटम वेनोसम में जो कन्वर्ट होगा वो होगा डक्टस वीनोसिस। फोरामेन ओवल कन्वर्ट होगा फोसा ओवेलिस में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर परसिस्टेंट वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड आउटर अकर्स ड्यू टू। तो यहाँ पर परसिस्टेंट वेस्कुलर कनेक्शन देखने को मिलेगा पल्मोनरी आर्टरी और आउटा के बीच में, तो ये किसके कारण होगा? वीएसडी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के कारण, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के कारण है, फिर आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट है, फिर ऑल ऑफ दी अबव। ये क्या है? कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है एंड द टाइम ऑफ बर्थ बेबी में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो पल्मोनरी आर्टरी और आउटा के बीच में कनेक्शन देखने को मिलेगा ये किसके कारण, किस में देखने को मिलेगा? PDA में, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में कनेक्शन देखने को मिलेगा। ASD में क्या होगा? होल होगा हार्ट के जो अपर चैम्बर है आर्टरिया के बीच में, तो इसमें होल होगा। और VSD में क्या होगा? लोअर चैम्बर ऑफ हार्ट के बीच में क्या होगा? वेंट्रिकल्स के बीच में क्या होगा? जो एबनॉर्मल कनेक्शन होगा वो कहलाएगा वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। एबनॉर्मल कनेक्शन होगा पल्मोनरी आर्टरी और आउटा के बीच में तो वो कहलाएगा PDA। नेक्स्ट है यहाँ पर इन फॉलोइंग विच सब्सटेंस इज यूज टू प्रिवेंट RH-isoimmunization। तो RH-isoimmunization को प्रिवेंट करने के लिए कौन से सब्सटेंस यूज किए जाते हैं? एंटीहिस्टामिन, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, NTD, गामा ग्लोबुलिन या फिर फोटोथेरेपी। तो कौन से सब्सटेंस को यूज किया जाता है RH-isoimmunization को प्रिवेंट करने के लिए? तो ये RH-isoimmunization को प्रिवेंट करने के लिए डिलीवरी के विदिन 72 घंटे के अंदर NTD गामा ग्लोबुलिन एडमिनिस्टर किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। जो RH-isoimmunization एक ऐसी कंडीशन होती है वुमेंस के ब्लड में कुछ ऐसी एंटीबॉडी होती हैं जो बेबी को भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं, तो इसीलिए क्या एडमिनिस्टर किया जाता है? NTD गामा ग्लोबुलिन विदिन 72 घंटों के अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पर If a pregnant woman has one live baby already, he has aborted 2 times, then obstetric history will be, तो obstetric score क्या होगा यहाँ पर उसका? Pregnant woman है, एक live baby है, 2 पहले abortion हो चुके हैं, at the time वो pregnant है, तो क्या होगा? तो G4 मतलब gravid 4 times हो चुकी है। अब यहाँ पर living baby है एक उसका present में, तो वो क्या आएगा? 1 आ जाएगा। abortion भी करवा चुकी है वो 2 बार, तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका जो ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री निकल के आएगी वो क्या होगी? ग्रेविडा 4 times, प्रेजेंट में 1 baby है और अबॉर्शन 2 times हो चुका है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर अ पेशेंट विथ लैरिंजाइटिस इज ट्रीटेड सिम्टोमेटिकली फॉर 2 weeks बट ही इज स्टिल एक्सपीरियंसिंग हॉर्सनेसनेस परसिस्टेंस हॉर्सनेसनेस मे बी एसोसिएटेड विद। तो यहाँ पर एक पर्सन को अकॉर्डिंग टू सिम्टोमेटिकली ट्रीट किया गया 2 वीक, लेकिन आफ्टर दैट उसको हॉर्सनेसनेस फील हो रही है बार बार, वही ऐसे उसको अपनी आवाज़ है जो चेंज लग रही है। तो ये क्या है? ये ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, फ्लैरेंजियल कैंसर है, फिर एनर्थी अब। तो वॉइस चेंज होना, हॉर्सनेसनेस टाइप की आपको घोड़े जैसी अपनी आवाज़ लगना, ये क्लासिकल साइन होता है किसका? फ्लैरेंजियल कैंसर का और लैरिंग्स कैंसर का। तो यहाँ पर आप किसको मार्क करेंगे? लैरिंजियल कैंसर। 2 वीक तक आपने सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट लिया अकॉर्डिंग टू अपनी सर्दी खांसी के, लेकिन आफ्टर दैट आपकी आवाज़ आपको बदली बदली लगती है, तो ये क्या है? यह लैरिंजियल कैंसर है। नेक्स्ट वन, हु इज द फादर ऑफ पीडियाट्रिक। तो पीडियाट्रिक के फादर कौन है? इब्राहिम जैकब, मास्लो, एरिक्सन, एफ ननम दिया। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो इब्राहिम जैकब कौन है? पीडियाट्रिक के फादर हैं। नेक्स्ट वन, एब्रप्ट विड्रावल ऑफ बारबिचुरेट कॉजेस। तो यदि बारबिचुरेट्स को हमने सडनली विड्रॉ कर दिया तो ये क्या कहें? कौन से साइन शो करेगा? विड्रावल सिम्टम होंगे स्लीपीनेस, रिथिमा, ईचिंग्स या फिर सीजर्स। तो बारबिचुरेट को यदि हमने सडनली विड्रॉ किया, स्टॉप किया, तो ये क्या कॉज करेगा? ये करेगा सीजर्स आने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ा देगा। CNS डिप्रेजेंट मेडिसिन है बारबिचुरेट्स, और जनरली यहाँ पर इनका जो काम होता है इफेक्टिव होती है एंजियोलाइटिक्स के तौर पर, हिप्नोटिक्स के तौर पर भी, एंटी कन्वर्जेंट के तौर पर भी। लेकिन यदि हम इन्हीं मेडिसिन को सडनली स्टॉप कर दें तो जो विड्रावल सिम्टम्स होंगे वो होंगे सीजर्स, रेस्टलेसनेस, इंसोमनिया, वीकनेस, डिजीनेस, नोजिया, स्वेटिंग एंड एंजाइटी। लेकिन जो सबसे डेंजरस विड्रावल सिम्टम होगा वो क्या होगा? सीजर्स। नेक्स्ट है यहाँ पर,
अकॉर्डिंग टू एरिक्सन साइकोलॉजिकल थ्योरी व्हाट इज द डेवलपमेंटल टास्क ऑफ टॉडलर। तो एरिक्सन की साइकोलॉजिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग डेवलपमेंटल टास्क क्या है टॉडलर में? ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड आउट, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी या फिर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तो साइकोलॉजिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग डेवलपमेंटल टास्क पूछा है टॉडलर में। तो टॉडलर कौन सी एज ग्रुप के बच्चे होते हैं? जिनकी एज 2 to 3 years की होती है। कितनी? 2 to 3 years की होगी, वो कहलाते हैं टॉडलर। और इनका जो यहाँ पर टास्क होगा, डेवलपमेंटल टास्क होगा, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, इसको अर्ली चाइल्डहुड या फिर टॉडलर कहेंगे। प्ले ग्रुप के बच्चे कहलाएंगे जिनमें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट देखने को मिलेगी। स्कूल एज बच्चे होंगे 6 to 12 years के, जिनमें इन्फीरियोरिटी, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी होगी। इन्फेंसी पीरियड में पूछे तो बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट आएगा, लेकिन चाइल्डहुड या फिर टॉडलर ग्रुप में पूछे अर्ली चाइल्डहुड या फिर टॉडलर ग्रुप, तो ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। नेक्स्ट है यहाँ पर, इन अ चाइल्ड विथ माइल्ड हीमोफीलिया ए द फैक्टर 8 लेवल इज, बच्चों में हीमोफीलिया होगा फैक्टर 8 की कमी के कारण। अब यहाँ पर फैक्टर 8 का लेवल कितना होगा यदि बच्चे में माइल्ड हीमोफीलिया ए है? तो 5 to 40%, 50 to 60%, less than 1%, या फिर 1 to 5%। हीमोग्लोबिन का लेवल, सॉरी हीमोफीलिया ए है यदि बच्चे को, तो यहाँ पर फैक्टर 8 का लेवल क्या होगा? फैक्टर 8 की कमी से होगा हीमोफीलिया ए, तो अब यहाँ पर इसी फैक्टर 8 का लेवल कितना होगा? तो इसका लेवल होगा 5 to 40%। कितना? 5 to 40%, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है? माइल्ड हीमोफीलिया पूछा है, माइल्ड पूछा है, तो 5 to 40%। अब यहाँ पर जो रेंज है, यहाँ पर वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया ने जो रेंज दी हुई है फैक्टर एक्टिविटी की, वो कितनी है? 50% एंड 150%। अब सीबीआरटी लेवल पे यहाँ पर 3 classes में डिवाइड किया है हीमोफीलिया को, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। तो यहाँ पर आपको पूछी है माइल्ड रेंज, तो माइल्ड कितनी है? 5 to 40%। यहाँ पर यदि मॉडरेट हीमोफीलिया पूछे तो 1 to 5%, सीवियर में less than 1%, जो यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया है। नॉर्मल रेंज पूछे तो कितना है? 50 to 150%। कितना? 50 to 150%। लेकिन यहाँ पर less than 1% आता है तो सीवियर। कितना है? सीवियर है। मॉडरेट आता है तो 1 to 5% है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। माइल्ड पूछा है तो 5 to 40% आएगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, गस्टेटरी हेलुसिनेशन अफेक्ट्स द, तो गस्टेटरी हेलुसिनेशन है किस में अफेक्ट होंगे? ईयर्स में, नोज में, आइस में या फिर टेस्ट वर्ड्स में? हेलुसिनेशन है एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस, कोई भी एब्सेंस स्टिमुलस जो एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, वो चीज़ आपको फील हो रही है, तो गस्टेटरी हेलुसिनेशन पूछा है आपसे। तो ये कौन सा है? टेस्ट वर्ड का। कौन सा? टेस्ट वर्ड का। ऑडिटरी का है तो परसेप्शन ऑफ साउंड होगा, गस्टेटरी है तो परसेप्शन ऑफ टेस्ट होगा, ऑल्फैक्ट्री पूछा तो स्मेल के लिए होगा, विजुअल में आँखों के लिए होगा, और टैक्टाइल में क्या होगा? सेंसेशन। टैक्टाइल हेलुसिनेशन का मतलब क्या है? फॉल्स सेंसेशन ऑफ टच। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, अ कंडीशन इन विच द मेंस्ट्रुएशन अकर्स बट इज नॉट विजिबल बिकॉज ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द आउटफ्लो ट्रैक्ट इज नोन एज। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन, मेंस्ट्रुएशन हो रहा है लेकिन जो ब्लीडिंग है वो विजिबल नहीं हो रही है, किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हो रहा है, तो क्या कहलाएगा? क्रिप्टोमेनोरिया, जीरो कोलैप्स, डिसमेनोरिया या फिर मेनोरेजिया। तो यहाँ पर कंडीशन ऐसी है कि मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, पीरियड्स आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन है बीच में जिसके कारण आपको विजिबल नहीं हो रहे हैं, तो किस कंडीशन में आएगा? तो ये कहलाएगा क्रिप्टोमेनोरिया। क्या कहलाएगा? क्रिप्टोमेनोरिया। डिसमेनोरिया का मतलब होगा पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, मेनोरेजिया का मतलब होगा प्रोलॉन्ग हैवी वजाइनल ब्लीडिंग इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, और यहाँ पर क्रिप्टोमेनोरिया का मतलब होगा पीरियड्स कंटिन्यू आ रहे हैं लेकिन जो ब्लीडिंग है वो शो नहीं हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण आउटफ्लो देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट वन, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में 4 conditions इंक्लूडेड है किसी एक को छोड़कर। अब टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में 4 heart defects हैं, जो कॉम्बिनेशन होगा हार्ट डिफेक्ट्स का इंक्लूड, तो कौन सा नहीं होगा? ओवरराइडिंग ऑफ आवोटा, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट या फिर पल्मोनिक स्टेनोसिस। तो यहाँ पर जो 4 defects होते हैं यहाँ पर इंक्लूडेड, लेकिन जो नहीं होता है वो कौन सा है? तो वो पीडीए,
पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है जो इंक्लूड नहीं होगा, बाकी सभी होंगे। ओवरराइडिंग ऑफ पाओर्टा होगा, पल्मोनरी स्टेनोसिस होगा, वीएसडी होगा और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगा, लेकिन पीडीए देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर रोसेस प्रोजेक्टिव टेस्ट डिजाइन टू मेजर। तो रोसेस प्रोजेक्टिव टेस्ट है, किसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? अनकॉन्सियस इंटेंशन के लिए, ड्रीम्स के लिए, कॉन्सियस डिजायर के लिए, फिर ब्रेन साइज के लिए। तो ये टेस्ट यूज किया जाता है अनकॉन्सियस इंटेंशन के लिए, जो आपके मन के अंदर ऐसी चीजें हैं जो आप किसी को नहीं बता सकते, तो उनको चेक करने के लिए टेस्ट है, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर इन द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट द इन्फेंसी एक्सटेंड फ्रॉम। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टू इन्फेंसी पीरियड कब कहा जाता है? बर्थ से एक साल तक का, 4 weeks टू 1 year, 1 to 3 year या फिर none of the above। तो बर्थ से लेके 1 month तक का पीरियड तो कहलाता है न्यूनेटल पीरियड। क्या कहलाता है? न्यूनेटल पीरियड। अब बर्थ से 1 week तक का तो होगा न्यूनेटल पीरियड। अब यहाँ पर आता है 4 weeks, मतलब 1 month से लेके 1 साल तक का पीरियड कहलाएगा इन्फेंसी पीरियड। क्या कहलाएगा? इन्फेंसी पीरियड। 1 to 3 year का पीरियड कहलाएगा टोडलर पीरियड। क्या कहलाएगा? टोडलर पीरियड। फिर आता है 3 to 6 year, तो 3 to 6 years का पीरियड कहलाएगा प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, जो किंडरगार्डन के बच्चे होते हैं वो। फिर 6 to 12 year में आएंगे स्कूलर्स और 12 to 18 में आएंगे एडोलसेंट एज ग्रुप। नेक्स्ट है यहाँ पर एन इन्फेंट इज बॉर्न विथ फेसियल एबनॉर्मलिटीज, ग्रोथ रिटार्डेशन एंड विजन एबनॉर्मलिटीज, दीज एबनॉर्मलिटीज आर प्रॉबली कास्ड बाय मैटरनल। तो यहाँ पर एक इन्फेंट है, फेसियल एबनॉर्मलिटीज है, ग्रोथ रिटार्डेड है, विजन एबनॉर्मलिटीज है, ये एबनॉर्मलिटी मैटरनल में कौन सी कंडीशन के कारण हुई, मदर में ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसके कारण ये प्रॉब्लम हुई है? फॉलिक एसिड की कमी, विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन B6 डेफिशिएंसी या फिर अल्कोहल कंजप्शन। तो कौन सा यहाँ पर कंपोनेंट डिस्टर्ब रहा या फिर क्या ज़्यादा खा लिया जिसके कारण ये प्रॉब्लम हुई है कि फेसियल एबनॉर्मलिटीज हो गई, ग्रोथ रिटार्डेड है बच्चा, विजन भी प्रॉपर नहीं है। तो ये सब हुआ है मैटरनल अल्कोहल कंजप्शन के कारण। जब बेबी वूम में रहा, यूट्रस में रहा, उस टाइम पर माँ ने क्या किया? अल्कोहल को कंज्यूम किया है, शराब पी है। तो ये सभी साइन किसके? फीटल अल्कोहल सिंड्रोम के। बच्चा इस तरीके से पैदा होगा जो एपी कैंथल फोल्ड सही देखने को आपको मिलेंगे और यहाँ पर थिन अपर लिप होंगे बच्चे में, माइक्रोगेंथिया देखने को मिलेगा, मतलब जो चिन्ह है बहुत शॉर्ट रहेगी। यहाँ पर सभी साइन किसके? लो नेजल ब्रिज होगा। तो ये साइन है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम के। दैट मीन्स माँ ने जब बेबी यूट्रस में रहा उस टाइम पर क्या किया? अल्कोहल को कंज्यूम किया है। ये सभी साइन उसके हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच वैक्सीन इज स्टोर्ड एट फ्रीजर कंपार्टमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर। फ्रीजर कंपार्टमेंट में कौन सी वैक्सीन रखी जाएगी रेफ्रिजरेटर के? OPV, BCG, MMR या फिर मीजल्स। तो OPV वैक्सीन है जो यहाँ पर फ्रीजर कंपार्टमेंट में रखी जाएगी। OPV और मीजल्स दोनों हीट सेंसिटिव वैक्सीन है, तो इनके लिए यहाँ पर रखा जाएगा। OPV को मोस्टली हीट सेंसिटिव वैक्सीन कहा जाता है और ये फ्रीजर कंपार्टमेंट में स्टोर करके रखी जाती है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल वैक्सीन। तो वायरल वैक्सीन कौन सी है? OPV, कोलेरा, TT या फिर BCG। तो BCG बैक्टीरिया के थ्रू होगा, TT भी क्लोरिस्टिडियम टिटेनिक के कारण होगा, कोलेरा भी क्या होगा? बैक्टीरिया के थ्रू होगा, डिप्थीरिया विब्रियो कोलेरा के थ्रू। जो ओरल पोलियो वैक्सीन है क्या? एक वायरल वैक्सीन है। कोलेरा इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, BCG लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन है और टिटनस टॉक्साइड। टिटनस क्या है? टॉक्साइड है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ पल्स रेट ऑफ अ चाइल्ड ऑफ 1 to 2 year। तो यदि बच्चे की एज 1 से 2 साल है तो पल्स रेट कितनी होगी? 60 to 100 पर मिनट, 76 to 120 पर मिनट, 120 to 160 पर मिनट, 80 to 130 पर मिनट। तो बच्चे का यदि यहाँ पर एज है 1 से 2 साल, तो बच्चे की जो पल्स रेट होगी वो कितनी होगी? वो होगी 80 से 130 पर मिनट। कितनी? 80 to 130 पर मिनट। नॉर्मल रेंज कहें अकॉर्डिंग टू एज के, तो न्यूबॉर्न में होती है 100 to 150 पर बीट पर मिनट। 3 to 6 month में 90 to 120 हो जाएगा, 6 to 12 month में 100 to 160 रहेगी, 1 से 10 साल में 70 से 130, फिर आ जाता है एडल्ट पीरियड तो 60 से 100। नेक्स्ट वन है यहाँ पर RH नेगेटिव मदर डिलीवर्ड अ बेबी।
विच अमंग द फॉलोइंग टेस्ट इज मोर लाइकली टू बी ऑर्डर्ड फॉर द बेबी। यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आरएच नेगेटिव मदर का बेबी डिलीवर हुआ है, तो बेबी के लिए कौन सा टेस्ट है जो परफॉर्म करवाया जाएगा, डायरेक्ट कोम्ब टेस्ट, ब्लड कल्चरल, इनडायरेक्ट कोम्ब टेस्ट या फिर नन ऑफ द अबव। कोम्ब टेस्ट परफॉर्म किया जाता है आरएच एंटीबॉडी को डायग्नोस करने के लिए। दो तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। यदि आरएच एंटीबॉडी को डायग्नोस करना है तो यदि बेबी के लिए कहा जाता है तो हम करवाएंगे डायरेक्ट कोम्ब टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि बेबी के लिए टेस्ट करवाना है आरएच एंटीबॉडी डायग्नोस करने के लिए, तो क्या होगा डायरेक्ट कोम्ब टेस्ट। मदर के लिए कहते तब हम करवाते इनडायरेक्ट कोम्ब टेस्ट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और ऑप्शन के आपका आंसर होगा डायरेक्ट कोम्ब टेस्ट। यदि यही चीज़ कहते कि माँ के लिए कोम्ब टेस्ट करवाना है तो कौन सा कोम्ब टेस्ट कराएंगे आरएच एंटीबॉडी डायग्नोस करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, तो वो होता है इनडायरेक्ट। लेकिन बच्चे के लिए कहा है तो क्या होगा डायरेक्ट कोम्ब टेस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हेन वर्ल्ड वाइड हार्ट डे सेलिब्रेटेड। तो हम हर साल हार्ट डे कब मनाते हैं, 29 सितंबर को, 29 दिसंबर को, 28 सितंबर को या फिर 28 जनवरी को। तो हम हर साल विश्व हृदय दिवस कब मनाते हैं, हर साल विश्व हृदय दिवस हम मनाते हैं 29 सितंबर को। 29 सितंबर को हम हार्ट वर्ल्ड हार्ट डे है जो सेलिब्रेट करते हैं। हार्ट डे, जो फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ था वो हुआ था कहाँ पर, केप टाउन में। कहाँ पर हुआ था, केप टाउन में, 3 दिसंबर 1967 को करवाया गया था। किसने किया था, डॉक्टर क्रिस बर्नार्ड ने इसको फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया था। इंडिया का फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की बात करें तो किया था डॉक्टर पी के सेन ने 1968 में, तो किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल है मुंबई में, वहाँ पर इंडिया में पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया गया था। नेक्स्ट वन, इंक्रीज्ड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग विथ नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इज। जो सांस ले रहे हैं तो डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग क्या है, बढ़ी हुई है, लेकिन नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है, तो क्या है, हाइपरएपनिया, ब्रेडिपनिया, ऑर्थोपनिया, फिर कुस्मॉल ब्रीदिंग। तो यहाँ पर एक जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है लेकिन डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग बढ़ी हुई है तो ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा यहाँ पर हाइपरएपनिया। क्या कहलाएगा, हाइपरएपनिया। ब्रेडिपनिया का मतलब है एबनॉर्मली स्लो ब्रीदिंग। ऑर्थोपनिया का मतलब है कि जब आप लेट जाते हैं, लाइन डाउन फ्लैट होंगे, तब आपको सांस लेने में दिक्कत होना। कुस्मॉल ब्रीदिंग देखने को मिलेगी, डीप एंड लेबर्ड ब्रीदिंग जनरली मेटाबॉलिक एसिडोसिस के पेशेंट में देखने को मिलेगी। किसमें, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के पेशेंट में कुस्मॉल ब्रीदिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर, द मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन प्रीटम बेबीज। तो बच्चा यदि प्रीटम डिलीवर हुआ है, बच्चा प्रीटम हुआ दैट मीन बिफोर 37 वीक की प्रेगनेंसी के पहले ही डिलीवर हो गया है, तो कौन से साइन है जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के हैं, नेजल फ्लेयरिंग, वायरल चेस्ट, ब्रैडीकार्डिया या फिर ग्रंटिंग एंड चेस्ट इनड्रॉइंग। तो किसमें देखने को मिलेंगे, तो ग्रंटिंग एंड चेस्ट इनड्रॉइंग तो देखने को मिलता है जनरली निमोनिया के पेशेंट वाले बच्चों में, जिन बच्चों को निमोनिया डेवलप हो रहा है उनमें। बैरल चेस्ट इम्फाइसिमा के पेशेंट में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस प्रीटम बेबी में जो मोस्ट क्लासिकल साइन है वो क्या है, नेजल फ्लेयरिंग। क्या होगा, नेजल फ्लेयरिंग। जब आप सांस लेते हैं तो उस टाइम पर नॉस्ट्रल क्या होंगे, वाइड होंगे, क्या होंगे, वाइड होंगे, तो इसके लिए क्या कहा गया है, नेजल फ्लेयरिंग। और आरडीएस में जब इमेच्योर लंग्स होते हैं तब भी ये सिचुएशन डेवलप होगी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, और ये उसी का एक साइन है, क्या, नेजल फ्लेयरिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर, कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी इज रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कैल्शियम का बैलेंस बॉडी में कौन रेगुलेट करता है, पैराथार्मोन, एल्डोस्टेरॉन, कैल्सिटोन एंड एफर बोथ ए एंड सी। एल्डोस्टेरॉन को कैल्शियम का बैलेंस बनाने का काम करते हैं पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन दोनों। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी। अब कैसे करेंगे, कैल्सिटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड, हेल्प टू मोबिलाइज कैल्शियम फ्रॉम ब्लड टू बोन। ब्लड से बोन में कैल्शियम कैसे भेजना है, ये काम कौन करेगा, कैल्सिटोनिन, और इसको रिलीज कौन करेगा, थायराइड ग्लैंड। पैराथार्मोन को रिलीज करेगी पैराथायराइड ग्लैंड, और ये बोन से बोन टू ब्लड जो कैल्शियम है बोन से ब्लड में कैसे लेके आना है वो काम करेगा। अब ये दोनों हार्मोन क्या करेंगे, कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहे हैं, तो एक जो कैल्सिटोनिन है ये क्या कर रहा है, ब्लड को बोन्स में लेके, सॉरी कैल्शियम को ब्लड से बोन्स में लेके जा रहा है, और जो पैराथार्मोन है ये क्या करेगा, कैल्शियम को बोन्स से ब्लड में लेके आएगा। तो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, लेकिन ये दोनों ही रेगुलेट करने का काम करेंगे किसी एक को छोड़कर।
ऑप्शन में सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, डायस्टोलिक हाइपरटेंशन, ब्रैडीकार्डिया या फिर ब्रैडीपनिया। सभी कुशिंग ट्रायड के सिम्टम है किसी एक को छोड़कर। कुशिंग ट्रायड, ट्रायड दैट मीन्स तीन चीजें कुछ ना कुछ इंक्लूडेड रहेंगी, तो ये है किसकी सिम्टम। कुशिंग ट्रायड में आपका क्या होगा, बीपी बढ़ेगा, रेगुलर ब्रीदिंग होगी, ब्रैडीकार्डिया होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, जो चीज है जो इंक्लूडेड नहीं है कुशिंग ट्रायड में वो क्या होगी, सिस्टोलिक बीपी बढ़ता है, डायस्टोलिक बीपी है जो घटेगा ना कि बढ़ेगा, ब्रैडीकार्डिया होगा, ब्रैडीपनिया होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर आएगा डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। क्या है, डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। कुशिंग ट्रायड इज अ फिजियोलॉजिकल नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। जब भी आईसीपी बढ़ता है, आईसीपी बढ़ने के कारण कुशिंग ट्रायड की कंडीशन देखने को मिलेगी। इसके तीन क्लासिकल साइन होते हैं, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा दैट मीन सिस्टोलिक बीपी बढ़ेगा, पल्स लो होगी, रेस्पिरेशन लो होगा। लेकिन जब यही कंडीशन, यही कुशिंग ट्रायड की कंडीशन, लेकिन इस शॉक के केस में पूछे आपको, शॉक के केस में क्या होगा, बीपी लो होगा, पल्स बढ़ेगी, रेस्पिरेशन बढ़ेगा, इसके अपोजिट होंगी चीजें। लेकिन आईसीपी जब बढ़ता है बीपी बढ़ेगा, बीपी कौन सा बढ़ेगा, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन होगा, ब्रैडीपनिया होगा, ब्रैडीकार्डिया होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, क्योंकि एक्सेप्ट करके क्वेश्चन पूछा है, तो होगा डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। अब यहाँ पर कुछ डिसीज दी हुई हैं जिनके क्लासिकल साइन है जो एग्जाम में आपको आते हैं, जैसे डायबिटीज मेलाइटिस का 3 P's एग्जाम में आते हैं, पॉलीफेजिया मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगना, पॉलीडिप्सिया मतलब बहुत प्यास लगना, पॉलीयूरिया मतलब बहुत ज़्यादा यूरिन पास आउट करना। फिर अस्थमा के जो सिम्टम है क्लासिकल, तो अस्थमा का क्लासिकल सिम्टम होता है वीजिंग। अस्थमा में जो ब्रोंको स्पास्म, जो आपकी ब्रोंकाई सिकुड़ जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्पास्म होगा इसलिए। तो यहाँ पर किसके थ्रू स्पास्म ट्रीट किया जाता है, तो ये ट्रीट किया जाता है इनहेलर के द्वारा। अब यहाँ पर इसका क्लासिकल साइन क्या है, वीजिंग ऑन एक्सप्रेशन, जब सांस छोड़ेंगे तो सीटी जैसे बजेगा, जिनको अस्थमा होता है। या फिर कभी कभी कुछ बच्चों में, कुछ बच्चों की हम बात कर रहे हैं कि यदि उनको बहुत ज़्यादा जब सर्दी खांसी होती है, कंजेशन होता है, तब भी वीजिंग साउंड आने लगता है। तो वीजिंग एक क्लासिकल साइन है किसका, अस्थमा का, सीटी जैसे बजना। सीओपीडी और एम्फाइसेमा में क्या होगा, बैरल चेस्ट देखने को मिलेगा, क्या है, चेस्ट आगे की तरफ उठा उठा देखने को मिलेगा। परनीसियस एनीमिया का क्लासिकल साइन है वीफ लाइक टंग, जो आपकी टंग है कैसी होगी, वीफ के जैसी। डीबीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस का साइन, क्लासिकल साइन है क्या है वो, होमन साइन, क्या है, होमन साइन। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में चार कोट ट्रायड देखने को मिलेगा, निस्टेगमस, डायस्ट्रिया, इंटेंशनल ट्रिमर। टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में क्या होगा, पल्मोनरी स्टेनोसिस, चार डिसीज से मिलकर बनेगा ये, पल्मोनरी स्टेनोसिस, ओवर राइडिंग ऑफ पाओटा, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। और यहाँ पर जो एक इमेज दिख रही है, दिख रही है क्लबिंग ऑफ फिंगर नेल्स की, इसकी क्लबिंग ऑफ फिंगर नेल्स की, ये भी टेरेटोलॉजी का ही साइन है। दूसरी चीज यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये साइन तो आपको एग्जाम में आते ही आते हैं, इनमें आपको टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में एक्सेप्ट करके क्वेश्चन ये आता है कि चार में से कौन सी नहीं है। दूसरी चीज फ्लैपिंग ट्रिमर्स आता है, तो वो जनरली लिवर प्रॉब्लम के कारण होता है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलेंस टेस्ट इज यूज्ड फॉर, एग्जाम में आता है एलेंस टेस्ट क्यों किया जाता है, मीडियन नर्व कंप्रेशन के लिए, अल्नर नर्व फंक्शनिंग के लिए, इंटीग्रिटी ऑफ पाल्मर आर्च या फिर नन ऑफ द अबव। तो एलेंस टेस्ट किया जाता है इंटीग्रिटी ऑफ पाल्मर आर्च के लिए, यहाँ पर इसे चेक किया जाता है कि जो अल्नर आर्टरी में किसी भी तरीके का थ्रोम्बोसिस तो नहीं हुआ हो रहा है, जो कि रेडियल को भी अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर प्रॉपर ब्लड सप्लाई के लिए, ब्लड फ्लो के लिए टेस्ट है जो यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, अ प्रोसीजर कॉल्ड द एलन टेस्ट मे बी यूज्ड टू फाइंड आउट इफ द ब्लड फ्लो टू योर हैंड इज नॉर्मल, तो हाथों में आपके ब्लड की प्रॉपर सप्लाई हो रही है नहीं, उसको चेक करने के लिए टेस्ट किया जाता है एलेंस टेस्ट। तो यहाँ पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल क्या करते हैं आपके लिए, ड्रॉइंग योर ब्लड विल अप्लाई प्रेशर टू द आर्टरीज इन योर रिस्ट फॉर सेवरल सेकेंड, तो यहाँ पर आपकी आर्टरीज के यहाँ पर प्रेशर लगा के रखेंगे, चेक करेंगे कुछ सेकेंड में ब्लड फ्लो होता है या नहीं।
तो यहाँ पर इस टेस्ट के लिए क्यों किया जाता है, पाल्मर आर्च की इंटीग्रिटी के लिए, कि यहाँ पर दैट इज द टेस्ट डन टू डिटरमाइन दैट द कोलेट्रल सर्कुलेशन इज प्रेजेंट फ्रॉम द अल्नर आर्टरी इन केस ऑफ थ्रोम्बोसिस अकर इन द रेडियल। यदि रेडियल में किसी भी तरीके का थ्रोम्बस है या फिर क्लॉट है तो अल्नर आर्टरी ब्लड की सप्लाई कर पा रही है नहीं, उसके लिए एलेंस टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज कार्पल टनल सिंड्रोम इज ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ, तो कार्पल टनल सिंड्रोम सबसे ज़्यादा जो लोग आईटी फील्ड वाले होते हैं फिर कंप्यूटर्स पर लंबे टाइम तक काम करते हैं उनमें देखने को मिलता है। कार्पल टनल में कौन सी नर्व है जो कंप्रेस होगी, रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, मीडियन नर्व या फिर अल्नर आर्टरी। तो कार्पल टनल सिंड्रोम देखने को मिलता है जब मीडियन नर्व कंप्रेस होती है। क्या होगी, मीडियन नर्व कंप्रेस होती है तो यहाँ पर आपको आपके हाथ में नबनेस, टिंगलिंग, वीकनेस है जो आपके हाथ में फील होगी, इसके लिए क्या कहा जाता है, कार्पल टनल। रिस्ट के लिए क्या कहा जाता है, कार्पल टनल। तो यहाँ पर एक कौन सी नर्व के कारण होगी, मीडियन नर्व के कारण। नेक्स्ट इज वाल्व ऑफ हेसनर्स इज प्रेजेंट इन, तो हेसनर वाल्व कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, नेजो लैक्रिमल डक्ट्स में, पैंक्रियाटिक डक्ट्स में, पैरोटिड ग्लैंड डक्ट में या फिर ऑल ऑफ दी अबव में। तो वॉल्स ऑफ हेसनर रहेंगे कहाँ पर, नेजो लैक्रिमल डक्ट के यहाँ पर, ये देखिए वॉल्व ऑफ हेसनर यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे लोअर एंड ऑफ द नेजो लैक्रिमल डक्ट के यहाँ पर, जो कि जनरली क्या करते हैं, एयर को प्रिवेंट करते हैं ब्लो बैक होने से। तो इसीलिए यहाँ पर इनका नाम भी क्या रखा गया है, वॉल्व ऑफ हेसनर। नेक्स्ट वन इज विच डायग्नोस्टिक टेस्ट इज डन इन डिप्थीरिया, तो डिप्थीरिया को डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, सिक टेस्ट। डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, सिक टेस्ट है जो डिप्थीरिया को डायग्नोस करने में होता है। माउंटेक्स टेस्ट होता है टीबी को डायग्नोस करने में, टाइफाइड के लिए विडाल होता है, सिफिलिस के लिए होता है वीडीआरएल टेस्ट, स्कारलेट फीवर के लिए होता है डिक टेस्ट, टाइफस फीवर के लिए होता है वेलफ्लेक्स टेस्ट। तो स्पेसिफिक टेस्ट है जो एक पर्टिकुलर डिसीज को डायग्नोस करने के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज यूजुअल डोज ऑफ पीपीडी इन माउंटेक्स टेस्ट, तो माउंटेक्स और ट्यूबरक्लिन टेस्ट में प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव इंट्राडर्मल रूट से इंजेक्ट किए जाते हैं, कितना डोज है जो पीपीडी का लिया जाता है माउंटेक्स टेस्ट के लिए, 20 IU, 5 IU, 100 IU या फिर 200 IU। तो इंट्राडर्मल रूट से पीपीडी है जो एडमिनिस्टर की जाती है माउंटेक्स टेस्ट ट्यूबरक्लिन टेस्ट में, रीडिंग कितने घंटे के बाद सही आती है, 48 से 72 घंटों में, और कितना पीपीडी इंसर्ट किया जाता है, 5 IU, कितना 5 IU। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंसुलिन, तो इंसुलिन के लिए हम किस रूट से एडमिनिस्टर करते हैं, IV, SC, IM या फिर इंट्राडर्मल रूट से। तो जो इंसुलिन है किस रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है, सबक्यूटेनियस रूट से है जो हम इंसुलिन को एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज प्रेजेंट ओनली इन डिमेंशिया व्हेन कंपेयर्ड विद द डेलिरियम, तो जब हम डिमेंशिया को डेलिरियम से कंपेयर करते हैं तो कौन सा सिम्टम है जो ओनली डिमेंशिया में देखने को मिलेगा लेकिन वो डेलिरियम में नहीं होगा। ऑप्शन में मिस परसेप्शन, विविड इल्यूजन, हेल्यूसिनेशन, सिस्टमाइज डिल्यूजन अकर्स अर्ली। तो यहाँ पर डिमेंशिया डेलिरियम दोनों अलग अलग प्रॉब्लम है लेकिन यहाँ पर एक सिम्टम ऐसा होगा कि दोनों के बीच का एक जो कंपेयर है या फिर डिफरेंस क्रिएट करेगा होगा सिस्टमेटाइज्ड डिल्यूजन अकर्स अर्ली। डिमेंशिया में क्या होगा कि जो डिल्यूजन है एज कम्पेयर टू डेलिरियम के अर्ली, बहुत ही अर्ली स्टेज में देखने को मिलेंगे लेकिन डेलिरियम में लेट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ये रहा एक छोटा सा डिफरेंस दोनों के बीच में, डेलिरियम जनरली रैपिड है जो बहुत ही फास्ट तरीके से है जो देखने को मिलेगा, कुछ दिन के लिए रहेगा, कुछ घंटों के लिए रहेगा, लेकिन डेमेंसिया जनरली या तो ओल्ड एज पर्सन में होने के चांसेस होते हैं या फिर ये लंबे टाइम तक रहेगा, और जो सिम्टम्स हैं किसी भी दिन में है जो क्या रहेंगे डेलिरियम के, कभी ठीक हो जाएंगे आप कभी नहीं होंगे, लेकिन डेमेंसिया के सिम्टम्स क्या रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, यदि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो लंबे टाइम तक रहेगी। ड्यूरेशन की बात करें तो डेलिरियम है जो कुछ दिनों या कुछ हफ्तों में ठीक हो जाता है लेकिन डिमेंशिया को ठीक होने में सालों लग जाते हैं,
और जनरली जो डिमेंसिया है अल्जाइमर्स के पेशेंट्स में देखने को जरूर मिलता है। ओरिएंटेशन डिस्टर्ब रहेगा, डिसोरिएंटेड रहेंगे डेलिरियम वाले, लेकिन एक कुछ टाइम के बाद ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन डिमेंसिया में ऐसा नहीं होगा। लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस क्या रहेगा, इनमें कभी कभी कॉन्सनट्रेट करने की क्षमता है जो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये कम टाइम के लिए रहेंगे। लेकिन डिमेंसिया में आप स्टेबल रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, लेकिन आपको डिसोरिएंटेशन है जो ज़रूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको दोनों के बीच के यदि डिफरेंस की बात की जा रही है तो डिल्यूजन देखने को मिलेगा, किसमें, डिमेंसिया में, लेकिन डेलिरियम में नहीं। नेक्स्ट वन इज अ पर्सन विच इज एनजी ट्यूब इज इंसर्टेड द स्टमक इज फ्लश्ड एंड इंजेस्टेड सब्सटेंस आर रिमूव्ड थ्रू द ट्यूब इट इज कॉल्ड। यदि किसी पर्सन को एनजी ट्यूब इंसर्ट की गई है, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट की गई है, उसने कुछ खाया है, हो सकता है कुछ पॉइजन लिया हो, कुछ भी ऐसा खाया हो जिसको क्या किया गया, रिमूव किया गया ट्यूब के थ्रू, तो ये क्या कहलाएगा, कॉलोनिक इरीगेशन, डीकम्पनसेशन, गैस्ट्रिक लेवास या फिर गैस्ट्रिक गैवास। तो यहाँ पर एनजी ट्यूब इंसर्ट दोनों केस में की जाती, लेवास में और गैवास में भी, लेकिन गैवास में क्या दिया जाएगा, कुछ दिया जाएगा खाने पीने को, लेकिन लेवास में क्या है, जो खाया पिया है उसको बाहर निकाला जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, गैस्ट्रिक लेवास तरीके से है जो बाहर निकाला जाएगा, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा गैस्ट्रिक लेवास। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अ नर्स इज रिसीविंग अ पेशेंट्स रिकॉर्ड्स एंड नोट्स दैट द पेशेंट हैज रीनल डिसऑर्डर, द नर्स एक्सपेक्ट टू नोट विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी रिजल्ट। तो यहाँ पर एक नर्स है जिस पेशेंट को रीनल डिसऑर्डर है, उसके रिकॉर्ड्स है जो चेक किए हैं उसने, तो कौन से लेबोरेटरी रिजल्ट है जो पता करेगा आपको कि पेशेंट को रीनल डिसऑर्डर है, इंक्रीज्ड एचबी लेवल, डिक्रीज सीरम पोटेशियम लेवल, एलिवेटेड सीरम क्रिएटिनिन लेवल या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, जो नेक्स्ट क्लास होगी कल मॉर्निंग में उसका आंसर आपको दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय। और आज ही रात में जीके की आपको एक और क्लास करवाई जाएगी, वो सेकेंड चैनल पर डेली आपको 5 मिनट की क्लास है जो करवाई जाती है, जिसमें आपका कोई भी एक टॉपिक क्लियर किया जाता है। थैंक यू, बाय बाय। तो ये कौन सी निडल है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, तो ये जो निडल यहाँ पर दिख रही है ये एन्यूरिज्म निडल, क्या है, एन्यूरिज्म निडल, क्या नाम है इस निडल का, एन्यूरिज्म निडल। और यहाँ पर जो अदर है ये देखिए ट्राइकॉट बायोप्सी निडल है, जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है आपको नॉर्थ साइड पर रखे हुए मिलेंगे, तो आप लोग इनको जरूर देख के जाना। तो जो यहाँ पर फर्स्ट में दिख रही है क्या है, एन्यूरिज्म निडल है, और जनरली यहाँ पर जो लिगेचर है, जो एन्यूरिज्म वेसल्स होती हैं उनको क्या करने के लिए, जब जो वेसल्स हैं उनको होल्ड करना पड़ता है उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है, यहाँ पर जो कर्व दिख रहा है ये यूज़ की जाती है। ट्राइकॉट बायोप्सी निडल ले रही है यहाँ पर, जिसका नाम है सिल्वरमैन रीनल बायोप्सी निडल। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉबलर निडल, तो कॉबलर निडल ले रही, इसमें भी एक छोटा सा कर्व है। फिर आती है ब्रेसिस निडल, जो कि यहाँ पर न्यूमोपेरिटोनियम, जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है उनमें, पेरिटोनियम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में क्या करने के लिए यूज़ की जाती है यहाँ पर, है इनका यूज़ किसके लिए किया जाता है, न्यूमोपेरिटोनियम फॉर लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज के लिए, या फिर आप ये याद रख सकते हैं कि इनका यूज़ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, आपको इमेज बस आ सकती है, क्वेश्चन है टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग सोन इन दिस फोटोग्राफ। तो यहाँ पर एक इमेज में ह्यूमन बीइंग दिख रहा है, चूहा दिख रहा है। अब ह्यूमन की सेल्स लेके या फिर ऑर्गन लेके चूहे में ट्रांसप्लांट किए जाएंगे, तो कौन सी ग्राफ्टिंग दिखाई जा रही है, आइसोग्राफ्टिंग, एलोग्राफ्टिंग, ऑटोग्राफ्टिंग या फिर जीनोग्राफ्ट। तो कौन सी ग्राफ्टिंग है जो यहाँ पर शो हो रही है, तो यहाँ पर जो ग्राफ्टिंग शो हो रही है इसका नाम क्या है, तो एक ग्राफ्टिंग है यहाँ पर, क्योंकि जब यहाँ पर डिफरेंट स्पीसीज है, क्या है, डिफरेंट स्पीसीज है, तो यहाँ पर जो ग्राफ्टिंग बताई जा रही है वो कौन सी स्पीसीज का यूज किया जा रहा है ग्राफ्टिंग के लिए, तो ये कहलाएगी कौन सी ग्राफ्टिंग, जीनोग्राफ्ट। अ टिश्यू ग्राफ्ट और ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्रॉम अ डोनर ऑफ अ डिफरेंट स्पीसीज फ्रॉम द रेसिपिएंट। तो यहाँ पर जब अलग स्पीसीज होगी तो क्या कहलाएगा, जीनोग्राफ्ट। यदि स्पीसीज क्या है, सेम है, क्या है यहाँ पर, आपको चार टाइप की ग्राफ्टिंग याद रखनी है, चारों में से कुछ भी एग्जाम में आ सकता है।
ऑटो का मतलब होगा आपकी खुद की ऑन बॉडी, आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट है एक जगह से दूसरे जगह ग्राफ्ट किया जाता है तो क्या कहलाएगा, ऑटोग्राफ्ट। दैट मींस क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए आपकी थाई की स्किन को लेके फेस पर यूज कर दिया जाता है तो वो क्या कहलाएगा, ऑटोग्राफ्ट। फिर आता है आइसोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट का मतलब होगा आइडेंटिकल ट्विंस, जो कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस होंगे या फिर जिनके स्ट्रेन है जो सेम होंगे। स्पेशली आपको आइसोग्राफ्ट में आइडेंटिकल ट्विंस याद रखना है, जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो क्या करेंगे, इनके बीच में जो ग्राफ्टिंग होगी वो कहलाएगी आइसोग्राफ्ट। फिर आता है सेम स्पेसीज बट डिफरेंट मेंबर, ह्यूमन टू ह्यूमन, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन टू ह्यूमन हो गया। मान लीजिए आपकी ग्राफ्टिंग आपके किसी फ्रेंड्स के लिए या फिर आप जिसको जानते भी नहीं है डोनर और रिसीवर इस तरीके से रहे तो वो कहलाएगी एलो ग्राफ्टिंग बिटवीन डिफरेंट मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज। फिर आता है जीनोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट का मतलब होगा स्पीसीज ही चेंज हो जाना। नेक्स्ट है यहाँ पर आइडेंटिफाई द डिफॉर्मिटी सोन इन दिस इमेज। तो यहाँ पर अब आपको चार पांच इमेज रहेंगी जिसमें हाथी पूरे हिले डुले हुए दिखेंगे आपको। तो यहाँ पर दिख रहा है कि इस इमेज में कौन सी डिफॉर्मिटी दिख रही है, आप देख सकते हैं थंब के साइड वाली जो फिंगर है वो कैसी है, टर्न है, बाकी थ्री फिंगर्स डाउन साइड को जा रही हैं। तो ये क्या है, ऑप्शन में है यहाँ पर स्वान नेक डिफॉर्मिटी, मैलेट फिंगर, ट्रिगर फिंगर या फिर बॉटनेर डिफॉर्मिटी, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर जो डिफॉर्मिटी शो हो रही है इसका नाम क्या है, तो जो यहाँ पर डिफॉर्मिटी दिख रही है क्या है, बॉटनेर डिफॉर्मिटी, जो कि एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपका जो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट है वो क्या रह जाएगा, फ्लेक्स्ड रह जाएगा। कैसा रह जाएगा, फ्लेक्स्ड रह जाएगा। तो इसको क्या कहा गया है, बॉटोनियस डिफॉर्मिटी। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और जनरली ये किसी ट्रॉमा के कारण या फिर जो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट है, यहाँ पर जो ज्वाइंट है इसमें कुछ ट्रॉमा हुआ, इंजरी हुई, उसके कारण भी इस तरीके से डिफॉर्मिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। अदर ऑप्शन में स्वान नेक डिफॉर्मिटी, देखिए दो इमेज है जिससे इजीली समझ में आएगा। तो यहाँ पर हाइपरफ्लेक्शन देखने को मिलेगा बॉटनेर डिफॉर्मिटी में, पीआईपी ज्वाइंट में, लेकिन स्वान नेक डिफॉर्मिटी में क्या होगा, जो फिंगर्स हैं कैसी हो जाएंगी, बेंड हो जाएंगी डाउन साइड को। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा स्वान नेक डिफॉर्मिटी। अब एक ही हाथ में आपको एक सेम टाइम पर स्वान नेक डिफॉर्मिटी भी देखने को मिल सकती है या फिर बॉटनेर डिफॉर्मिटी भी देखने को मिल सकती है। जो स्वान नेक डिफॉर्मिटी है एक क्लासिकल साइन है, कॉमन रीजन हो सकता है रिमेटॉइड अर्थराइटिस में। क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्वान नेक डिफॉर्मिटी इज रिमेटॉइड अर्थराइटिस। रिमेटॉइड अर्थराइटिस वाले पेशेंट में आपको ये स्वान नेक डिफॉर्मिटी इजीली देखने को मिलेगी। फिर आता है ट्रिगर फिंगर, ट्रिगर फिंगर अ कंडीशन इन विच अ फिंगर गेट्स स्टक इन अ बेंट पोजिशन एंड देन स्नैप स्ट्रेट। तो यहाँ पर ये देखिए ट्रिगर फिंगर में क्या होगा कि आपकी फिंगर सडनली क्या हो जाएगी, बेंट हो जाएगी और जिसको स्ट्रेट करना क्या होगा, थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम होगी। फिर आता है मैलेट फिंगर, क्या है, जिसको वेस्टफॉल फिंगर के नाम से भी जाना जाता है, किसी इंजरी के कारण होगी जिसमें फिंगर्स और थंब क्या रहेंगे, नीचे की तरफ बेंड रहेंगे। आपको मैन इनकी इमेज याद रखना है और कौन सी नर्व के कारण होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर फ्लैपिंग हैंड ट्रिमर्स सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। फ्लैपिंग हैंड ट्रिमर्स किस कंडीशन में देखने को मिलेंगे, यूरेमिक सिंड्रोम, क्रॉनिक रीनल फेलियर में, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी में या फिर ऑल ऑफ द अबव में। तो फ्लैपिंग हैंड ट्रिमर्स देखने को मिलेंगे कौन सी कंडीशन में, सभी कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पर कुछ जो यूरेमिक सिंड्रोम है, क्रॉनिक रीनल फेलियर और हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, ये सारे केस में देखने को मिलेंगे। इसमें क्या होगा कि जो पेशेंट है वो अपने हाथों को होल्ड करने में अनेबल रहेगा और उसके हाथ हमेशा फड़फड़ाए हुए रहेंगे, जिस जैसे एथ्रेक्सिस के पेशेंट के होते हैं उस तरीके से। तो या किसी, ये तो मेटाबॉलिक इंसेफेलोपैथी के कारण हो सकता है, चाहे उसमें किडनी फेलियर हो जाए, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की सिचुएशन हो सकती है या फिर लिवर फेलियर। तो यहाँ पर ये सभी पॉइंट्स दिए हुए हैं, क्रॉनिक रीनल फेलियर है, यूरेमिक सिंड्रोम भी मेटाबॉलिक में आ जाएगा, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, तो इसमें आपके हाथ कैसे रहेंगे, फ्लैप्ड रहेंगे, फड़फड़ाए हुए टाइप्स रहेंगे, फ्लैपिंग मोशन देखने को आपको मिलेगा। तो ये क्या कहलाएगा, फ्लैपिंग ट्रिमर्स या फिर फ्लैपिंग हैंड ट्रिमर्स।
नेक्स्ट वन है यहाँ पर, इन माइस्थेनिया ग्रेविस पेशेंट इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी इज इफेक्टिव बिकॉज इट, माइस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट है उसमें इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी यूज की जाती है, तो यहाँ पर इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी इफेक्टिव क्यों होगी? इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन, इनहिबिट द ब्रेकडाउन ऑफ एसिटाइल कोलिन, रिमूव्स एंटीबॉडीज दैट इम्पेयर द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस एंड डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज दैट डैमेज द एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। तो माइस्थेनिया ग्रेविस कब होगा? जब जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर हैं कैसे होने लगेंगे, डैमेज होने लगेंगे। क्या होगा इनमें? कुछ आपको डैमेज देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर जो एंटीबॉडी है डैमेज। ग्रेविस के पेशेंट में इम्यूनो सप्रेसर थेरेपी किस तरीके से काम करेगी कि जो ऑटो इम्यून डिसीज है माइस्थेनिया ग्रेविस, लेकिन जब हम इम्यूनो सप्रेसर थेरेपी देंगे पेशेंट में तो जो खुद की ऑन एंटीबॉडी बन रही उनके प्रोडक्शन को क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। जब आपकी बॉडी में, यहाँ पर देखिए इमेज से आपको इजीली माइस्थेनिया ग्रेविस समझ में आएगा, ये रही यहाँ पर सिनेप्सिस जो क्या कर रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। अब यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या, एसिटाइल कोलिन रहेगा, तो यहाँ पर ये क्या होगी, रिलीज साइट होगी नर्व टर्मिनल के यहाँ पर। तो यहाँ पर जो एसिटाइल कोलिन रहेगा क्या है, यहाँ पर जो इम्पल्सेस हैं मसल्स तक जा रहे हैं, नर्व इम्पल्स हैं मसल्स तक जा रहे हैं, यदि यहाँ पर आपकी ऑन ऑटो एंटीबॉडी बनती है तो ये क्या करेंगी, इन रिसेप्टर को ख़त्म करने का काम करेंगी, राइट। लेकिन जब यदि हम यहाँ पर इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी देंगे पेशेंट में तो जो यहाँ पर खुद की ऑटो एंटीबॉडी बन रही है क्या होंगी, कम हो जाएंगी। कैसी होंगी? कम होंगी। जब उनका प्रोडक्शन कम होगा तब ये क्या करेंगी, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को डैमेज करने का काम कर रही है, नष्ट करने का काम कर रही है, तो ये कम होगा। और इसी तरीके से माइस्थेनिया ग्रेविस पर हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर एक मेन जो इम्यूनो सप्रेसर थेरेपी का काम क्या होगा, जो खुद की एंटीबॉडी बन रही है उनके प्रोडक्शन को कम करना, और जब इनका प्रोडक्शन कम होगा तो एसिटाइल कोलिन का जो रिसेप्टर है डैमेज हो रहा है, प्रॉपर इम्पल्सिस नहीं जा पाएंगे, तो उसको क्या करेंगे, हम ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इम्यूनो सप्रेसर थेरेपी इस तरीके से कारगर होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर, इफ अ बेबी बॉर्न विथ बर्थ वेट इज 2.9 kg देन इट मीन्स बेबी इज, यदि न्यूबॉर्न बेबी डिलीवर हुआ है एट द टाइम ऑफ बर्थ उसका वजन कितना है, 2 kg 900 g है, तो इसका मतलब क्या होगा, बेबी कैसी कंडीशन में पैदा हुआ है, लो बर्थ वेट बेबीज है, वेरी लो बर्थ वेट बेबी है, स्मॉल फॉर डेड बेबी है, या फिर नॉर्मल बर्थ वेट बेबी है, तो किस तरीके का बेबी है जो पैदा हो गया जिसका वजन 2.9 kg है, तो ये कहलाएगा नॉर्मल बर्थ वेट बेबी, बिकॉज जो नॉर्मल बर्थ वेट होता है इंडियन न्यूबॉर्न बेबी का वो होता है 2.5 kg से ज़्यादा, लेकिन जब ये 2.5 kg से कम होता है तब ये सिचुएशन हम कंसीडर करते हैं लो बर्थ वेट बेबीज में। किसमें? लो बर्थ वेट बेबीज में हम इस सिचुएशन को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। और यहाँ पर फिर आता है वेरी लो बर्थ वेट, तो वेरी लो बर्थ वेट ऐसे बेबीज आएंगे जिनका बर्थ वेट लेस देन 1.5 kg या फिर 1500 g से भी कम हो एट द टाइम ऑफ बर्थ है, और जेस्टेशनल एज क्या रही हो, कम्प्लीट रही हो, आफ्टर 37 week के बाद डिलीवर हुए हैं, लेकिन बर्थ वेट कितना है, 1500 g से कम है। फिर आते हैं एक्सट्रीमली लो बर्थ, तो अब जिनका वजन 1000 g से भी कम है और 1 kg से भी कम वजन के हैं वो क्या कहलाएंगे, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट इज द नॉर्मल MUAC दैट मीन्स मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस इन नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी, जो नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी होते हैं इनमें MUAC कितना होता है, क्या है, नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनमें नॉर्मल मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस कितना होता है, 12 से 16 cm, 9 से 11 cm, 16 से 17 cm या फिर 20 से 21 cm, कितना होगा सर्कमफेरेंस होता है 9 to 11। अब यहाँ पर हम एक छोटी सी टेबल के थ्रू इसको समझेंगे कि MUAC है क्या। MUAC चेक किया जाता है लेफ्ट अपर आर्म में, कहाँ से, मिड पॉइंट बिटवीन द टिप ऑफ द शोल्डर एंड द टिप ऑफ द एल्बो। MUAC यूज किया जाता है न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेक करने के लिए, किसके लिए, न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेक करने के लिए। अब यदि नॉर्मल एवरेज एट द टाइम ऑफ बर्थ मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस की बात की जाए कितना होगा, 9 to 11 cm, कितना होगा, 9 to 11 cm। फिर बात आती है 1 साल के बच्चे की, तो होगा 12 to 16 cm।
जैसे वेट और हाइट बढ़ती है उतने फास्ट तरीके से एमयूएसी नहीं बढ़ता, ये भी आप सुन लीजिए। तो यहाँ पर एक साल में होगा 12 से 16 सेंटीमीटर, फिर होगा एक से पांच साल की एज में तो 16 से 17। आपने एक साल से पांच साल तक के बच्चे देखे होंगे, उनका जो आप एमयूएसी चेक करेंगे तो उसमें आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। आपको लगेगा कि मेरा बच्चा स्वस्थ नहीं है, मोटा नहीं हो रहा है सब। नेक्स्ट आता है 12 ईयर, तो 12 में 17 टू 18, 15 में 20 से 21 सेंटीमीटर एमयूएसी रहेगा। एमयूएसी चेक किया जाता है साकेट टेप से। ये टेप आपको एग्जाम में दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि जो रेड लाइन है, येलो है और ग्रीन है तो क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर एमयूएसी इस तरीके से चेक किया जाएगा। यदि यहाँ पर बात की जाती है ग्रीन बैंड की, तो ग्रीन बैंड आता है दैट मीन्स बच्चा क्या है, हेल्दी है। 9 to 11 के ऊपर जाता है तो क्या है, बच्चा हेल्दी है। फिर यदि बिलो येलो में जाता है दैट मीन्स क्या है, बच्चे को जो बच्चा यदि येलो इसमें जाता है बैंड में, दैट मीन्स बच्चा क्या है, मॉडरेट मालनरिस्ट है या फिर माइल्ड कह सकते हैं। यदि रेड में जाता है तो बच्चा क्या है, बहुत ही ज़्यादा मालनरिस्ट, सीवियर मालनरिस्ट है और बच्चे को इमीडिएट केयर की ज़रूरत है। नेक्स्ट है यहाँ पर इन द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विच स्टेज इज कंसिडर्ड द टोडलर ग्रुप, तो कौन सी स्टेज है जो टोडलर ग्रुप कहलाएगी। ऑप्शन में है यहाँ पर 0 to 28 days, 28 दिन से एक साल, एक साल से तीन साल या फिर तीन से छः साल। तो टोडलर एज ग्रुप की बात हो रही है, और टोडलर एज ग्रुप कौन सी कहलाती है, तो टोडलर यहाँ पर कहलाएंगे जिनकी एज एक साल से तीन साल तक हो। कौन सी, एक से तीन साल तक। अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रीनेटल पीरियड पोस्टनेटल पीरियड की। तो प्रीनेटल पीरियड होता है ओबम से लेके क्या है, ओबम, जो कि 0 to 14 days आफ्टर द कॉन्सेप्शन। फिर आता है एम्ब्रियो, क्या होगा, एम्ब्रियो जो कि 14 दिन से 8 वीक तक, क्या कहलाएगा, 14 दिन से 8 वीक तक का। फिर आता है फीटस, 8 वीक से लेके एट द टाइम ऑफ बर्थ। याद रखना एम्ब्रियो पीरियड कब तक कहलाता है, 14 days to 8 weeks तक, देन 8 weeks टू बर्थ तक, या फिर हम 8 से 40 वीक कह सकते हैं, कहलाएगा फीटस। फिर आता है पोस्ट नेटल पीरियड, क्या होगा, पोस्ट नेटल पीरियड दैट मीन्स आफ्टर द डिलीवरी। न्यूबॉर्न और न्यूनेट कहलाएगा 0 to 28 days तक का, अर्ली न्यूनेट कहलाएंगे 0 to 7 days तक के, यदि ओनली न्यूनेट पूछे तो 0 से 28 दिन। इन्फेंसी पीरियड कहलाता है 28 दिन से लेके एक साल तक की एज ग्रुप का बच्चा, टोडलर 1 से 3 साल। फिर आते हैं यहाँ पर प्री स्कूलर, जो कि LKG UKG वाले बच्चे होते हैं 3 साल से लेके 6 साल तक के, स्कूल गोइंग में आएंगे 6 साल से 10 साल तक के, एडोलसेंट में 10 years to 19 years अकॉर्डिंग टू WHO के, तो एडोलसेंट ग्रुप में आएंगे। फिर आता है अर्ली एडोलसेंट पीरियड, मिडिल एडोलसेंट पीरियड एंड लेट एडोलसेंट पीरियड। तो एडोलसेंट पीरियड की 3 स्टेज हैं, अर्ली, मिडिल एंड लेट, एग्जाम में आपको आ सकती हैं, तो आपको इनके लिए भी याद रखना है, चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ अ चाइल्ड 1 to 2 years, तो यदि बच्चे की एज 1 से 2 साल है कितनी पल्स रेट होगी, 80 to 130 per minute, 120 to 160 per minute, 78 to 120 per minute या फिर 60 to 100 per minute। यदि बच्चे की एज 1 से 2 साल है और नॉर्मल पल्स रेट की बात की जाती है तो कितनी होगी, 80 से 130 per minute। जितनी कम एज होती है पल्स रेट उतनी ज़्यादा होती है, आपको याद रखना है, एज जितनी कम पल्स रेट उतनी ज़्यादा। न्यूबॉर्न में होगी 100 से 150 तक, इन्फेंसी पीरियड में जो बच्चा अर्ली इन्फेंसी पीरियड में 6 मंथ तक का, तो 90 से 120 और ओनली इन्फेंट है तो 80 से 120, बच्चे हैं चिल्ड्रन है तो 70 से 130। नेक्स्ट है यहाँ पर द नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर ऑफ अ न्यूबॉर्न इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं क्या है यहाँ, सॉरी जो न्यूबॉर्न बेबी है यहाँ पर उनमें एक्सिलरी टेम्परेचर है जो कितना होगा, 40 से 42 degrees Celsius, 30 से 32 degrees Celsius, 33.5 to 34.5 degrees Celsius या फिर 36.5 to 37.4 degrees Celsius। न्यूबॉर्न बेबी का जो नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर होगा वो होगा 36.5 से लेके 37.4 डिग्री सेल्सियस तक। बेबी के एक्सिलरी टेम्परेचर की हम बात करते हैं तो कितना होगा, 36.5 टू 37.4 डिग्री सेल्सियस। एक इसमें रेंज हो गई, ये हो गई आपकी सेल्सियस में और सेंटीग्रेड पे,
यदि यही रेंज आपको फेरनहीट में पूछी जाती है तब आपको कहना है 97.5 टू 99 डिग्री फेरनहीट क्या होगी, नॉर्मल रेंज होगी किसकी, एक्सिलरी टेम्परेचर की न्यूबॉर्न बेबीज। पल्स रेट आपको एग्जाम में आती है, रेस्पिरेटरी रेट आती है, बीपी आता है और टेम्परेचर आता है, और ये भी आता है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ बेबी में क्या क्या चेक किया जाता है, तो पल्स, रेस्पिरेशन एंड टेम्परेचर। ब्लड प्रेशर है जो चेक नहीं किया जाता, लेकिन होता कितना है 80 to 60 क्या है यहाँ पर डायस्टोलिक, और 45 to 40 जो नॉर्मली एडल्ट का होता है 120/80, तो ऐसे ही यहाँ पर 80 to 45 है जो एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या होगा बेबी का ब्लड प्रेशर मेजर किया गया है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर व्हाट इज द लेंथ रेंज ऑफ बेबी इन 3 months। यदि बच्चे की एज 3 महीने की है, बेबी कितना है 3 महीने का है, तो यहाँ पर बेबी की लेंथ है जो लंबाई है कितनी होगी, ऑप्शन में 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर। सो एट द टाइम ऑफ बर्थ बेबी का जो लेंथ होता है, लंबाई होता है, कितनी होती है, तो एवरेज बात करें हम तो एट द टाइम ऑफ बर्थ बेबी की लेंथ होती है 50 सेंटीमीटर, और एवरी 3 months स्टार्टिंग के एवरी 3 months बेबी की हाइट लेंथ बढ़ती है 5 सेंटीमीटर, कितनी 5 सेंटीमीटर, ये बढ़ेगी एक साल तक, कब तक, एक साल तक, आफ्टर दैट थोड़ा स्लो हो जाएगी। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, यदि बेबी की हाइट की बात करें तो स्टार्टिंग के 1 year तक कितना, हर तीन महीने में 5 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं कि हर महीने 5-5 सेंटीमीटर, एवरी 3 months में 5 सेंटीमीटर बढ़ेगी हाइट और लेंथ है जो बच्चे की, लेकिन ये एक साल तक बढ़ेगी। तो यदि 3 महीने में बात की जाए तो कितनी हो पाएगी 60, एट द टाइम ऑफ बर्थ कितनी होती है 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है यहाँ पर हेड सरकमफेरेंस, क्योंकि एग्जाम में आपको आता है हेड सरकमफेरेंस, चेस्ट सरकमफेरेंस, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ होता है हेड सरकमफेरेंस कितना 34 to 35 सेंटीमीटर, 2 महीने में 38, 3 months में 40 सेंटीमीटर, 4 में 41, फिर 42 to 43, ये क्या हो जाएगा हेड सरकमफेरेंस हो गया। फिर यहाँ पर जो हेड सरकमफेरेंस होता है चेस्ट सरकमफेरेंस से कितना होगा 3 सेंटीमीटर बस कम होता है, कितना होता है 3 सेंटीमीटर कम होता है, और एक साल की एज होते होते बच्चों का जो हेड सरकमफेरेंस और चेस्ट सरकमफेरेंस तो दोनों कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर वेट ऑफ बेबी एट द टाइम ऑफ बर्थ इज 3.5 kg, देन विच एज बेबी वेट ट्रिपल। यहाँ पर आपको बताना है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चे का वजन कितना है, 3.5 किलो है, 3500 ग्राम है, लेकिन बच्चे का बर्थ वेट 3 गुना ट्रिपल कब हो जाएगा, ऑप्शन में 12 months, 6 months, 15 months या फिर 24 months। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ जो बर्थ वेट होता है वो डबल हो जाता है 5 to 6 months की एज में, कब, कितने में, 5 to 6 months की एज में, लेकिन जब इसके ट्रिपल होने की हम बात करते हैं तो ये ट्रिपल हो जाता है कब, 1 year और 12 months की एज में। नेक्स्ट है यहाँ पर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया इन विच ईयर, तो इंडिया में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था, नवंबर 1986, नवंबर 1985, दिसंबर 1978 या जनवरी 1992। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंडिया में स्टार्ट किया गया था 19 नवंबर 1985 में, कब, 19 नवंबर 1985 में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था इंडिया में। लेकिन यदि EPI पूछे, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, तो ये इसको लाया गया था मई 1978 में, कब, सॉरी मई 1974 में, लेकिन इंडिया में कब से स्टार्ट किया गया था, 1978 से। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स टू रिफर्स टू वीकनेस ऑफ बोथ लेग्स एंड लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक। तो यदि बॉडी के, यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बॉडी के जो लोअर ट्रंक है या फिर लोअर पार्ट है या फिर दोनों पैर में वीकनेस आ जाती है, तो कौन सा टर्म यूज करेंगे, टेट्रा प्लेजिया, क्वाड्रीपैरेसिस, हेमीप्लेजिया, फिर पैरापैरेसिस। सो जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाएगी, लोअर पार्ट हो रहा है तो क्या कहलाएगा, पैराप्लेजिया और पैरापैरेसिस, इसको हम पैराप्लेजिया फिर पैरापैरेसिस कहेंगे। अब इमेज देखिए जिससे इजीली क्लियर हो जाएगा,
यदि आपको आता है कि लेफ्ट साइड फुल लोअर टू अपर पार्ट क्या हो रहा है, वीक हो रहा है, पैरालिसिस हो रहा है, तो ये कहलाएगा हैमी। यदि पैराप्लेजिया कहते हैं तो लोअर पार्ट बॉडी का, क्वाड्री कहते हैं तो लोअर अपर दोनों, मोनोप्लेजिया कहते हैं तो या तो एक हाथ हो सकता है या फिर एक पैर हो सकता है, कुछ भी सिंगल है जो हो सकता है, तो वो क्या कहलाएगा, मोनोप्लेजिया। नेक्स्ट वन, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रेन न्यूप्लाज्म, तो सबसे ज्यादा जो ब्रेन न्यूप्लाज्म है वो कौन सा है, एंजियोमा, ग्लियोमा, न्यूरोमा या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो सबसे कॉमन ब्रेन न्यूप्लाज्म है वो होगा ग्लियोमा, जो कि 45% होगा। जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होने वाला एक तरीके से ट्यूमर है जिसको हम क्या कहेंगे, ग्लियोमा। एक और है जो ग्लियल सेल्स होती हैं, कौन सी ग्लियल सेल्स होती हैं उनको अफेक्ट करेगा, इसलिए इसका नाम भी ग्लियोमा रखा है। वो 45% केसेस में ट्यूमर कॉज करेगा, जो कि एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है। मैलिग्नेंट का मतलब होगा फैलने वाला ट्यूमर, बिनाइन फैलता नहीं, एक ही जगह होगा, लेकिन मैलिग्नेंट क्या होगा, मेटास्टेसिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, फ्लेयर चेस्ट इज सीन इन। तो फ्लेयर चेस्ट है जो किसमें देखने को मिलेगी, हाइपरटेंशन के पेशेंट में जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, रिब्स फ्रैक्चर के पेशेंट में, या फिर डायफ्राम हर्निएशन में, किसमें है जो फ्लेयर चेस्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर फ्लेयर चेस्ट का मतलब है फ्लोटिंग टाइप से, जो रिप, जो चेस्ट में जो रिप केज है, रिप्स है, वो क्या रहेंगी, फ्लोटिंग टाइप से देखने को मिलेंगी। फ्लेयर चेस्ट इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन। फ्लेयर चेस्ट, फ्लेयर का मतलब क्या है, जब रिप्स इफेक्ट हुई है, तो रिप्स में फ्रैक्चर होता है, तब इस तरीके से आपको क्या, देखिए यहाँ पर इमेज देखिए आप, फ्लेयर चेस्ट में क्या होगा, जब रिप्स में क्या होगा, फ्रैक्चर होगा, तब ये देखने को मिलेगा। तो रिप केज ब्रेकआउट होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी इंजरी के कारण जो रिप्स फ्रैक्चर हुआ है, रिप्स टूटी हैं, पसलियाँ टूटी हैं, उनका जो कुछ सेगमेंट है वो क्या रहेंगे, फ्लोट रहेंगे, रिप केज में फ्लोटिंग होगी, वो कहलाएगा यहाँ पर फ्लेयर चेस्ट। जब आप इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन करेंगे तब आपको ये फील होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर चाइल्ड यूरिया मींस, चाइल्ड यूरिया का मतलब क्या है, टर्बिड अपियरेंस इन यूरिन, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन, मिल्की अपियरेंस इन यूरिन, या फिर प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। तो क्या टर्मिनोलॉजी यूज की जाएगी, तो टर्मिनोलॉजी यूज होगी वो कहलाएगी मिल्की अपियरेंस इन यूरिन। क्या होगा, मिल्की अपियरेंस इन यूरिन। नेक्स्ट है यहाँ पर टिटनस ऑर्गेनिज्म में नॉट सर्वाइव बाय। तो जो टिटनस का पॉजिटिव एजेंट है, क्या है, टिटनस का जो पॉजिटिव एजेंट है वो किस में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ऑटोक्लेव में, फ्लेमिंग में, फ्यूमिगेशन में, या फिर बॉइलिंग में। अब टिटनस का पॉजिटिव एजेंट है क्लोरिस्टिडियम टिटेनी। क्या है, टिटनस का पॉजिटिव एजेंट क्या हो गया, क्लोरिस्टिडियम टिटेनी। वो क्लोरिस्टिडियम टिटेनी यहाँ पर किसमें है जो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो वो होगा ऑटोक्लेविंग। क्यों होगा, क्योंकि ऑटोक्लेविंग ही एक ओनली ऐसी मेथड है जिसमें स्पोर्स क्या है, स्पोर्स है जो बैक्टीरिया है, वो सभी चीजें मर जाएंगी, ना तो फ्यूमिगेशन में मरेंगी, ना बॉइलिंग में जो स्पोर्स है वो मरेंगे, ना ही फ्लेमिंग में जलाने से भी। तो जो चीज यहाँ पर इफेक्टिव होगी वो होगी ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग में टिटनस के बैक्टीरिया और उसके जो स्पोर्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर इन स्टेज सर्वाइकल कैंसर स्प्रेड एट ब्लैडर एंड रेक्टम लेवल। तो सर्वाइकल कैंसर में कौन सा लेवल होगा जब कैंसर ब्लैडर और रेक्टम तक स्प्रेड आउट हो जाएगा, फैल जाएगा, थर्ड बी, फोर्थ ए, सेकेंड ए, या फिर फोर्थ बी। तो कौन सी स्टेज होगी जिसमें कैंसर, सर्वाइकल कैंसर है यदि किसी को, तो वो ब्लैडर और रेक्टम को भी फैल जाएगा, अफेक्ट करेगा, तो वो होगा फोर्थ ए। कौन सा होगा, फोर्थ ए। अब यहाँ पर जब कैंसर, देखिए सर्वाइकल कैंसर की जो स्टेज फोर्थ होती है, यहाँ पर कैंसर स्प्रेड आउट होना है जो स्टार्ट होगा। तो जब यहाँ पर एक कैंसर कहाँ पर होता है, रेक्टम और ब्लैडर में, तो ये क्या कहलाएगा, फोर्थ ए। और जब यही कैंसर बोन्स, लंग्स और लिवर, जो डिस्टेंट लोकेशन है, दैट मीन्स दूर के पार्ट है, उनमें जाके फैलता है, वहां से सर्विक्स से यदि रेक्टम ब्लैडर में आया तो फोर्थ ए, लेकिन जब डिस्टेंट ऑर्गन, दैट मीन्स जो बोन्स हो गई, लंग्स हो गए, लिवर हो गए,
यहाँ पर जाके फैलेगा, स्प्रेड आउट होगा सर्वाइकल कैंसर, तो ये कहलाएगा फोर्थ बी। यदि आपको एग्जाम में ब्लैडर और रेक्टम कहा है तो आपको कहना है फोर्थ ए। यदि कहे यही कि बोन्स में हो गया, लिवर में हो गया, तब आपको क्या कहना है फोर्थ बी, करेक्ट। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, इफ यू आर कंफर्मिंग द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज विथ कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज लेवल देन द कट ऑफ वैल्यू शुड बी। तो यदि आप डायबिटीज क्या कर रहे हैं, कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज लेवल से कंफर्म कर रहे हैं, कट ऑफ वैल्यू कितनी आनी चाहिए, फास्टिंग ब्लड शुगर लेस देन 126 एंड पोस्ट पीपीबीएस मोर देन 200, एफबीएस मोर देन 110 और पीपीबीएस 200। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, पीपीबीएस की वैल्यू बतानी है यहाँ पर और एफबीएस की। तो क्या है जो आपका राइट आंसर होगा, यदि आप कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज लेवल से क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं कि पेशेंट को क्या है, डायबिटीज है या नहीं, तो पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर वैल्यू बतानी है और आपको फास्टिंग ब्लड शुगर वैल्यू बतानी है। तो जो यहाँ पर कंफर्मेटरी होगा वो होगा आपका 126 फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, और जो पोस्ट पैरेंटियल ब्लड शुगर लेवल है वो कितना होगा, मोर देन 220, तब कंफर्म होगा कि पर्सन को डायबिटीज है। नेक्स्ट वन, पर्सन हूज वेट इज 80 किलोग्राम एंड हाइट इज 156 सेंटीमीटर, बीएमआई ऑफ पर्सन इंटरप्रेटेड एज। एग्जाम में आपको इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आएंगे कि बॉडी मास इंडेक्स निकालने के लिए आपको कहा जाएगा, यदि पर्सन का वेट कितना है, 80 किलोग्राम है, हाइट है 156 सेंटीमीटर, तो बीएमआई का आपको फॉर्मूला लगाना है, बॉडी मास इंडेक्स का। तो यहाँ पर होता है वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हाइट दी हुई है आपको सेंटीमीटर में, तो आपको इस हाइट को क्या करना है, कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर टू मीटर में, क्योंकि यहाँ पर हाइट आपको जो फॉर्मूला है, यहाँ पर फॉर्मूला, जब आप यहाँ पर पर्सन का बीएमआई कैलकुलेट करके निकालेंगे तो कितना आएगा, हाइट मीटर स्क्वायर में निकालनी है, वेट किलोग्राम में निकालना है, पर्सन आएगा ओबेसिटी की कैटेगरी में, किसमें, ओबीस कैटेगरी में। यहाँ पर बीएमआई की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 18.5 to 24.9। यदि नॉर्मल बीएमआई की हम बात करते हैं तो ये होगी 18.5 to 24.9, लेकिन यदि यही बीएमआई लेस देन 18.5 जाती है तब पेशेंट कहलाएगा कौन से, उसमें अंडरवेट में, किस में कहलाएगा, अंडरवेट में। लेकिन जब ये 18.5 to 24.9, ये डिपेंड करती है बीएमआई आपके वेट एंड हाइट पर, ऐसा नहीं कि आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है, वजन यदि आपका 80 kg हो जाए तो आप ओबेसिटी में आएंगे, ऐसा नहीं है। बीएमआई डिपेंड करेगा आपकी हाइट और वेट दोनों पर। फिर आता है ओवरवेट में, तो 25 to 29.9 यदि बीएमआई निकल के आती है तो ओवरवेट, मोर यदि 30 के आगे जाता है तो ओबेसिटी, और ओबेसिटी की फिर क्लासेस हैं जो अलग अलग तीन क्लासेस हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, क्लिनिकल ट्रायड ऑफ कोरिएजा कफ एंड कंजक्टिवाइटिस कॉमनली सीन इन। तो कौन सा है जो यहाँ पर थ्री क्लिनिकल कॉज है, कौन कौन से हैं, कोरिएजा, कफ एंड कंजक्टिवाइटिस, तो किसके यहाँ पर ट्रायड मीन्स थ्री सिम्टम है, मम्स के, मिजल्स के, या फिर रूबेला और टाइफाइड के, तो किसके हैं क्लिनिकल ट्रायड। क्लिनिकल ट्रायड का मतलब है थ्री साइन है, कोरिएजा, कोरिएजा का मतलब होता है कैटरल इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन इन द नोज, नोज में सिम्टम है कोरिएजा में, क्या होगा जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है नोज की, उसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, तो ये कहलाएगा कोरिएजा, जनरली कोल्ड और हे फीवर के कारण ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर कफ और कंजक्टिवाइटिस तीनों साइन हो जाएंगे किसके लिए, मीजल्स के लिए। तो थ्री क्लिनिकल ट्रायड सिम्टम है कोरिएजा, कफ एंड कंजक्टिवाइटिस फॉर द मीजल्स। नेक्स्ट है यहाँ पर, द फॉलोइंग आर वाटर बॉर्न डिसीज कॉज्ड बाय इंसेक्ट वेक्टर्स मॉस्क्यूटो एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सभी क्या हैं, वाटर बॉर्न डिसीज हैं, जिनके वेक्टर क्या है, मॉस्क्यूटो हो सकते हैं, लेकिन किसी एक को छोड़कर, ऑप्शन में डेंगू, फाइलेरियासिस, टाइफॉइड या फिर मलेरिया। तो सभी के वेक्टर क्या है, मॉस्क्यूटो, डेंगू का क्या है यहाँ पर, एडीज एगेप्टी,
मलेरिया के लिए है जो एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो फीमेल एनाफ्लीज। यहाँ पर अब जो बात आती है टाइफॉइड की, किसकी? टाइफॉइड की। टाइफॉइड है जो साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होगा, इसका मच्छर से कोई लेना देना नहीं है। बाकी फाइलेरियासिस, डेंगू, मलेरिया तीनों के वेक्टर हैं जो मॉस्क्यूटो होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर डिसीज विच डज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू द ट्रांसप्लेसेंटल मोडिस। कौन सी डिसीज है जो ट्रांसप्लेसेंटल, दैट मीन्स प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में नहीं जाएगी, वर्टिकल ट्रांसमिशन कॉज नहीं करेगी, कौन सी डिसीज होगी? हेपेटाइटिस सी, सिफिलिस, एचआईवी या फिर हेपेटाइटिस सी। तो यहाँ पर हेपेटाइटिस सी चला जाएगा इजीली वर्टिकल ट्रांसमिशन के थ्रू, सिफिलिस भी हो जाएगा, बच्चे को एचआईवी भी हो सकता है, लेकिन जो नहीं होगा वो होगा हेपेटाइटिस सी। क्यों? क्योंकि जो ट्रांसमिशन मोड होता है हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस ए का, ये होता है फीको ओरल रूट। कौन सा? फीको ओरल रूट। तो ये किसी भी तरीके से ट्रांसप्लेसेंटल मोड से, निडल प्रिक इंजरी से होने के चांसेस ना के बराबर होंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर मिड डे मील प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड इन। तो मिड डे मील प्रोग्राम का इनिशिएशन कब किया गया था? 1962, 1972, 1982 या 1952। तो जो मिड डे मील प्रोग्राम है इसको इनिशिएट किया गया था 1962 में। कब? 1962 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प्स इन ऑल एक्सेप्ट। अर्ली इनिशिएशन है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, सभी किसी एक को छोड़कर। अर्ली इनिशिएशन का मतलब एज अर्ली एज पॉसिबल हो तो आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं, तो सभी केस में हेल्पफुल होगा किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है यहाँ पर एक्ट एज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, प्रिवेंट द ब्रेस्ट कैंसर, इन्वोल्यूजन ऑफ यूट्रस या फिर प्रिवेंट द सर्वाइकल कैंसर। तो क्या होगा यहाँ पर, आपका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो क्या निकल के आएगा कि यहाँ पर यदि आपने जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग कराना स्टार्ट किया तो सबसे प्रिवेंट करेगा किसी एक को छोड़कर, तो इन्वोल्यूजन ऑफ यूट्रस में हेल्प करेगा। यहाँ पर आपको ब्रेस्ट कैंसर से भी प्रिवेंट करने का काम करेगा क्योंकि सेल इन्वेजन होना स्टार्ट होता है इसलिए। फिर यहाँ पर आता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के तौर पर भी काम करता है, जो कम्प्लीटली ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती हैं उनमें एटलीस्ट 30 डेज तक, कितना? 30 डेज तक है जो ब्रेस्ट फीडिंग क्या करेगा, कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करेगा। फिर यहाँ पर जो होगा वो होगा सर्वाइकल कैंसर, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंट आपको नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज आइडल टाइम टू स्टार्ट वीनिंग टू एन इन्फेंट इज। तो बच्चे में आइडल टाइम क्या होगा वीनिंग के लिए? वीनिंग का मतलब होगा बेबी को जो फर्स्ट फूड हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फीड भी कह सकते हैं, वीनिंग भी कह सकते हैं, और 6 मंथ की एज से स्टार्ट करवाना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस एक्सेप्ट। तो सभी फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हैं किसी एक को छोड़कर, माला एन, डायफ्राम, ट्यूबेक्टोमी एंड विड्रावल। तो जो यहाँ पर फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हैं वो सभी हैं किसी एक को छोड़कर, तो वो विड्रावल। क्या है विड्रावल? ए मेल में यूज़ किया जाएगा ना कि फीमेल में। फीमेल में माला एन यूज़ किया जाएगा, डायफ्राम यूज़ किया जाएगा, ट्यूबेक्टोमी किया जाएगा, लेकिन जो नहीं होगा वो क्या होगा? विड्रावल। ट्यूबेक्टोमी इंडिया में कॉमनली यूज़ होने वाली स्टरलाइजेशन मेथड है, जिसमें यहाँ पे क्या किया जाता है, इसको हम परमानेंट फैमिली प्लानिंग मेथड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज आईक्यू में भी डिफाइन करेंगे। तो आईक्यू का जो फॉर्मूला आपको यहाँ पर एग्जाम में आ सकता है वो है यहाँ पर मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। अब यहाँ पर आप देखिए आपका कौन सा आंसर होगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बताया है आपको एग्जाम में, या तो आपको आईक्यू निकालने के लिए कहा जाए इंटेलिजेंस क्वाड्रेंट, या फिर आपको फॉर्मूला आ सकता है, या फिर आपको जो रेंज होती है मेंटल रिटार्डेशन के लिए आईक्यू की वो आ सकती है। तो आईक्यू का फुल जो यहाँ पर डिफाइन करेंगे हम, वो होगा मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो ये होगा यहाँ पर क्या होगा आपका आईक्यू। अब यहाँ पर जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी क्लासिफिकेशन होता है किसके लिए? मेंटल रिटार्डेशन के लिए एग्ज़ाम में आपको हमेशा ही आता है। तो यहाँ पर आपको आईक्यू रेंज याद रखने की ज़रूरत होगी, जितना कम आईक्यू होता जाएगा पर्सन की कंडीशन उतनी ज़्यादा वर्स्ट होती जाएगी। तो माइल्ड होगा यदि तो 50 से 70, मॉडरेट होगा तो 35 से 50,
सीवियर होगा तो 20 से 35 और प्रोफाउंड होगा तो 20 एंड बिलो, जिसमें आपके लिए पेशेंट को एडमिट करने की ज़रूरत पड़ेगी सीवियर और प्रोफाउंड में। माइल्ड मॉडरेट में पेशेंट अपनी केयर थोड़ी बहुत कर सकता है, बट यदि एग्ज़ाम में आता है कि एडमिशन की ज़रूरत किस केस में पड़ेगी, जब पर्सन का आईक्यू लेवल बिलो 20 चला जाता है तब। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, आपको आईक्यू लेवल है जो पूरा याद करके जाना है, एग्ज़ाम में आपको आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, सिक्स क्रैनियल नर्व एब्ड्यूसेंस कंट्रोल्स द, तो सिक्स छठवें नंबर की क्रैनियल नर्व है, एब्ड्यूसेंस है इसका नाम, तो क्या कंट्रोल करती है। टोटल 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व होती हैं, उनके आपको पूरे नाम, फंक्शन, कौन सी सेंसरी है और कौन सी यहाँ पर मोटार है और कौन सी मिक्स्ड है। तो यहाँ पर जो एब्ड्यूसेंस है इसका काम क्या है, मूवमेंट ऑफ आई बॉल, टेस्ट परसेप्शन, क्लोजर ऑफ एपिग्लोटिस, मूवमेंट ऑफ द टंग। तो छठवें नंबर की क्रैनियल नर्व काम करती है आई बॉल को मूव करने के लिए, कौन सी आई बॉल को। और जो तीन क्रैनियल नर्व है, थ्री क्रैनियल नर्व जो कि आई बॉल मूवमेंट को, आई बॉल कंट्रोल में हेल्प करती हैं, वो है ऑक्यूलो मोटार, थर्ड क्रैनियल नर्व ट्रॉक्लियर, फोर्थ क्रैनियल नर्व एंड एब्ड्यूसेंस सिक्स नंबर की क्रैनियल नर्व। तीनों क्या करती हैं, आई बॉल के मूवमेंट में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन शुड बी विथहेल्ड अ वीक बिफोर कार्डियक सर्जरी। तो कोई भी कार्डियक सर्जरी होनी हो, हार्ट सर्जरी होनी हो, तो कौन सी मेडिसिन है एक हफ्ते पहले ही विथहेल्ड कर दी जाती है, मतलब स्टॉप कर दी जाती है। यदि आपकी सर्जरी है जो अभी से 8 दिन बाद होने वाली है, तो इनमें से जो मेडिसिन आप ले रहे हैं तो किसको हम स्टॉप कर देंगे सर्जरी के एक वीक पहले। ऑप्शन में है यहाँ पर थ्रूसेमाइड, मेटोप्रोलॉल, रेमिप्रिल या फिर क्लोपिडिग्रोल। यहाँ पर कौन सी मेडिसिन स्टॉप कर दी जाती है बिफोर कार्डियक सर्जरी के, वो है यहाँ पर क्लोपिडोग्रेल। कौन सी, क्लोपिडोग्रेल मेडिसिन को स्टॉप विथहेल्ड कर दिया जाता है, क्योंकि एक एंटी प्लेटलेट मेडिसिन है और पेरी ऑपरेटिव हेमरेज को प्रिवेंट करने के कारण, क्या करना है, पेरी ऑपरेटिव हेमरेज को प्रिवेंट करना है, इसीलिए इस एंटी प्लेटलेट ड्रग को विथहेल्ड और स्टॉप कर दिया जाता है बिफोर द कार्डियक सर्जरी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क्लोपिडोग्रेल। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच हार्मोन इज प्रेजेंट इन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो यहाँ पर हम पूरे कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में पढ़ेंगे विद इन 5 मिनट में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, कौन सा है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इनमें से कौन सी है, प्रोजेस्टेरोन रहेगा, एस्ट्रोजन रहेगा, बोथ ए एंड बी होंगे या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा। तो जितनी भी यहाँ पर जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं उनमें प्रोजेस्टेरोन भी होगा और एस्ट्रोजन भी होगा। क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन भी होगा और एस्ट्रोजन भी होगा। तो यहाँ पर जो कंबाइंड ओसीपी होती हैं जनरली, कौन सी कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, उनमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों का लो डोज रहेगा। और जो कंबाइंड ओसीपी होती हैं ओव्यूलेशन प्रोसेस को ही इनहिबिट करेंगी, सप्रेस करने का काम करेंगी, ना होगा ओव्यूलेशन, ना यहाँ पर आपको कंसीव करने के चांस बढ़ेंगे। अब यहाँ पर एग्जाम में आपको हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस यदि आती हैं तो वो है प्रोजेस्टासाइड, जो कि टी शेप्ड डिवाइस होती है। यहाँ पर प्रोजेस्टासाइड है जो यहाँ पर नहीं दी हुई है, तो यहाँ पर ये है यहाँ पर प्रोजेस्टासाइड, ये क्या है प्रोजेस्टासाइड है, टी शेप डिवाइस है और ये क्या है हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस है। एलएनजी होगा यहाँ पर, मरेना जिसको हम कहेंगे, तो यहाँ पर एलएनजी और मरेना, एलएनजी और मरेना आपको इमेज आ सकती है एग्जाम में, तो ये किसकी इमेज है, मरेना की। ये भी टी शेप्ड रिलीजिंग है जो कि लेबोनोजेस्ट्रॉल को 20 mcg लेबोनोजेस्ट्रॉल को रिलीज करेगी। यदि प्रोजेस्टासाइट की बात करें तो सेकंड नंबर की इमेज ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या है प्रोजेस्टासाइट है और ये पर डे टोटल इसमें 38 mg प्रोजेस्टेरोन रहेगा, लेकिन ये रिलीज करेगा यूट्रस में कितना, 65 mcg पर डे। और इसका जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, यूट्राइन लाइनिंग और सर्वाइकल म्यूकस के यहाँ पर इफेक्ट करना। फिर आती है थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन को ही हम हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस कहते हैं, याद रखना है आपको। थर्ड जनरेशन IUCD इज ऑल्सो नोन एज द हार्मोन रिलीजिंग IUCD एंड एग्जाम्पल है प्रोजेस्टासाइड, मरेना और LNG।
फेलियर रेट 0.2% से भी कम है इसके। फिर आती है यहाँ पर सेकंड जनरेशन। थर्ड पूछते हैं तो हार्मोन वाली याद रखना है। हार्मोन वाले में आपको क्या क्या आ जाएंगी, जितने भी हार्मोनल यहाँ पर मेथड होंगी। फिर आता है सेकंड जनरेशन आईयूडी में, तो सेकंड में आएगा कॉपर टी 380A, कॉपर टी 200B, मल्टी लोड और नोवा टी। ये सब किसकी हैं, ये है यहाँ पर सेकंड जनरेशन। फिर यहाँ पर आता है जो फर्स्ट जनरेशन में, तो फर्स्ट जनरेशन में जितनी नॉन मेडिकेटेड होंगी, जिनमें मेडिसिन नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर लिपेज लूप, स्पायरल कॉइल्स और बाओ से सब क्या हैं, ये है यहाँ पर किस कौन से, ये फर्स्ट जनरेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखेंगे, आई होप आपको ये सभी IUCD हैं जो क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट है यहाँ पर बैरियर मेथड्स आर ऑल एक्सेप्ट, तो बैरियर मेथड सभी हैं किसी एक को छोड़कर, डायफ्राम, कॉन्डोम, लिपेज लूप या फिर वेजाइनल स्पंज। तो यहाँ पर बैरियर का मतलब होगा मैकेनिकल, या फिर क्या बैरियर का मतलब होगा, रोकने का काम करेंगे। डायफ्राम है यहाँ पर, कॉन्डोम है, वेजाइनल स्पंज है, सब क्या होगी बैरियर मेथड होंगे। लिपेज लूप है फर्स्ट जनरेशन IUD, ये बैरियर मेथड नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉपर टी 380A IUD शुड बी रिप्लेस्ड वंस इन अ, तो कॉपर टी 380A IUD है जो कब रिमूव करवा सकते हैं, कितने टाइम में, 2 साल में रिप्लेस कर सकते हैं, 10 साल में, 3 साल में, फिर 5 साल में। तो यहाँ पर इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एफिकेंसी है, मतलब कितने टाइम तक सही तरीके से काम करेगा, तो वो होगा 10 साल। लेकिन यदि आप 10 साल के पहले कंसीव करना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप इसको 10 साल तक, 10 ईयर तक ही इंसर्ट करवा के रखें। यदि आपने इंसर्ट करवाया है, आफ्टर दैट 1 ईयर, 6 मंथ और 2 ईयर में आप कंसीव करना चाहते हैं, तो इसको आप रिमूव करवा सकते हैं। IUD का फर्स्ट जो साइड इफेक्ट होता है IUCD का, वो होता है वेजाइनल ब्लीडिंग, हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग एंड पेन, एग्जाम में आता है आपको। नेक्स्ट वन है यहाँ पर माला एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स डिफर फ्रॉम माला डी इन टर्म्स ऑफ, तो ये क्वेश्चन आपके CHO के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो माला एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स OCP है, माला डी से किस तरीके से डिफर है। तो दोनों में जो डोज होता है, कौन सा, जो नॉर्जेस्ट्रॉल का डोज होता है, एस्ट्रॉइडल डोज होता है, दोनों में सेम होता है। यहाँ पर सोल्ड अंडर सोशल मार्केटिंग, ये भी होगा, सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो माला एन है जो माला डी से इस तरीके से भिन्न है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है। कैसी, फ्री ऑफ कॉस्ट है जो अवेलेबल रहेगी माला एन, लेकिन माला डी को आप मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एलिजिबल कपल्स आर दोज कपल्स एज ग्रुप ऑफ, एलिजिबल का मतलब वो फर्टाइल कपल, फर्टाइल का मतलब जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, जो लोग कंसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्टाइल कपल और एलिजिबल कपल कौन से होंगे, तो फर्टाइल और एलिजिबल कपल माने जाते हैं 15 से 45 साल तक के, कौन से, 15 to 45 ईयर्स एज ग्रुप तक के कपल माने जाते हैं फर्टाइल कपल और एलिजिबल कपल। नेक्स्ट है यहाँ पर हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइस इज लैक्टेटिंग मदर इज, तो जो माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही है, तो उसमें कौन सी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बेस्ट होगी, मिनी पिल्स, कंबाइंड पिल्स, सेंटोक्रोमाइन या फिर नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा लैक्टेटिंग मदर के लिए, जो नर्सिंग मदर भी कहते हैं हम जिनको, तो उनके लिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बेस्ट रहेगी वो होगी मिनी पिल्स, क्योंकि इसमें प्रोजेस्ट्रॉन का स्मॉल कंटेंट ही अवेलेबल होता है, और ये प्रेगनेंसी को क्या कर सकता है, कंट्रोल करने का काम कर सकता है। तो यहाँ पर प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स और मिनी पिल आपको मार्केट में प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स POPs के नाम से मिलेंगी, या फिर मिनी पिल्स के नाम से मिल जाएंगी, और 99% है जो इफेक्टिव है। फिर यहाँ पर और आता है, फिर आता है सहेली, जो कि वंसा वीक पिल हफ्ते में एक बार लेना है, जिसको हम ऑर्मेक्स, लॉकफेम और सेंटोक्रोमेन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जो सहेली है, ये क्या है, मार्केट में भी अवेलेबल हो जाती है और गवर्नमेंट में भी अवेलेबल हो जाएंगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर DMPA, दैट मीन्स प्रोवेरा या फिर डेपो प्रोवेरा के नाम से रहेगा यहाँ पर। तो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है, और ये कब दी जाती है, इट्स गिवन एवरी 2 week, 2 month, 3 month या फिर 2 year। तो DMPA इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, और ये हर 3 महीने में, कब,
एवरी थ्री मंथ में इंट्रामस्कुलर रूट से है, जो 150 mg डोज है जो इसका दिया जाता है डीप IM इंजेक्शन के थ्रू, क्या है डेपो-प्रोवेरा एग्जाम में आपको आता है, तो डेपो-प्रोवेरा दिया जाता है कब, एवरी थ्री मंथ में, कब दिया जाएगा, एवरी थ्री मंथ में दिया जाएगा और इंट्रामस्कुलर रूट से इसको दिया जाएगा, आपको ये एग्ज़ाम में भी आ सकता है और यहाँ पर एग्ज़ाम के अलावा एज अ नर्स एज अ CHO आपको आइडिया होना चाहिए कि आपके क्लिनिक पे यदि कोई फैमिली प्लानिंग मेथड के बारे में पूछने आता है तब आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन ये एडवाइस डॉक्टर करेगा, आप ओनली इंजेक्शन उसको ये लगा सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सेफ पीरियड इज कैलकुलेटेड बाय, तो सेफ पीरियड का मतलब होगा ऐसा टाइम पीरियड जिसमें आप सेक्स करते हैं इंटरकोर्स करते हैं तो कंसीव होने के चांस ना के बराबर होंगे, फर्टिलाइजेशन होने के चांस ना के बराबर होंगे, तो वो कौन सा पीरियड होगा और किस बेस पे डिपेंड करेगा, ड्यूरेशन एंड डेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे, लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पर, लेंथ ऑफ ओवुलेशन पे, लेंथ ऑफ यूटीरल फेज पर। तो सेफ पीरियड क्या है, सेफ पीरियड कब माना जाता है, किस बेस पे काम करेगा कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की है, यदि आपका 28 डेज की जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसके बेस पर कैलकुलेट किया जाएगा कि सेफ पीरियड कौन सा होगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर व्हाट इज़ द नॉर्मल इंट्राऑक्युलर प्रेशर, तो नॉर्मल इंट्राऑक्युलर प्रेशर कितना होगा, और जब IOP बढ़ता है, IOP का मतलब है आँखों में जो प्रेशर बढ़ेगा, तो वो प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होता है, ग्लूकोमा, ग्लूकोमा होगा तो ऑप्टिक नर्व डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं और ये IOP के कारण ही होगा। तो नॉर्मल इंट्राऑक्युलर प्रेशर होता है वो होता है 12 से 21 mmHg, कितना होगा 12 to 21 mmHg। नेक्स्ट वन है यहाँ पर हॉर्मोन विच रेगुलेट द ब्लड प्रेशर एंड सीक्रेटेड बाय द किडनी, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा हार्मोन है जो किडनी के थ्रू सीक्रेट होता है और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है, रेनिन, एरिथ्रोपोइटिन, एल्डोस्टेरोन या फिर एंजियोटेंसिनोजिन। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना और आज रात में ही मे बी 10 o'clock तक आपकी GK की भी एक क्लास की जाएगी, तो आप लोग उसको भी ज़रूर ज्वाइन करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।